सेल्फ मेड जतिमान एपिसोड 231 विराज का जलवा। विराज ने अग्निदेव के दिए गए मुकाबले को जीत लिया था। जैसे ही वो 23वीं मंजिल पर मौजूद आवासीय दरवाजे के अंदर घुसा, वैसे ही टावर ट्रायल के बाहर हरी बत्ती जल उठी। 24वीं मंजिल की बत्ती को हरा होता देखकर टावर ट्रायल के बाहर का मैदान तालियों के शोर से गूंज उठा। हर कोई विराज की कमाल की काबिलियत से अचंभित था। 23वीं मंजिल को पार करने में विराज ने सिर्फ 2 घंटे का समय लिया था। ये विराज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, क्योंकि 23वीं मंजिल को पार करने में युवाओं को काफी ज्यादा समय लग जाता था। साथ ही बहुत कम योद्धा ही 23वीं मंजिल को पार कर पाते थे। सबसे ज्यादा तो वो लोग हैरान परेशान थे जो 23वीं मंजिल तक जा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने कैसे इतने कम समय में इतने शक्तिशाली अग्निदेव के दिए गए मुकाबले में जीत हासिल कर ली। जीवन रस अमृत अग्निदेव की शक्ति से वो सभी अच्छे से वाकिफ थे और जानते थे कि अग्निदेव की तप्त लावा ज्वाला का सामना कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। 23वीं मंजिल को पार करके विराज अपनी अद्भुत क्षमता और शक्ति को प्रदर्शित कर चुका था। फरहान टावर ट्रायल पर जली हरी रंग की बत्तियों को इस भाव से देख रहे थे मानो वहां पर एक महान शक्ति का उदय हो रहा था। उन्होंने कहा, इस लड़के की क्षमता तो एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। फरहान के पास खड़े चक्रधर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का दर्द उठ रहा था। विराज का आज का प्रदर्शन देखकर उनका पुराना घाव फिर से हरा हो चुका था कि गोली संस्थान ने उनके हाथ से इतना शानदार हीरा छीन लिया। वो वहां खड़े मन ही मन अफसोस कर रहे थे कि काश कोई और युक्ति लगाकर उस समय विराज को गोली संस्थान में जाने से रोक देते। अगर विराज बैटल हाउस का विद्यार्थी होता तो उसके शौर्य के लिए उसके गुरु चक्रधर का भी सम्मान चारों ओर गूंज उठता। लेकिन आंखों के सामने होते हुए भी चक्रधर इस महान अवसर को खो चुके थे। चक्रधर के पास ही विकास दिव्य कीर्ति खड़े थे और विराज के कमाल के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन्होंने जब चक्रधर को इस तरह से निराश हताश देखा तो उसे छेड़ते हुए कहा, हा 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 हा, क्या हुआ? वैसे इस लड़के को सबसे पहले मैंने खोजा था और मैंने ही इसकी प्रतिभा को पहचान कर कलेंजर संस्थान का विद्यार्थी बनने का अवसर दिया था। विराज की इस जीत ने गोली संस्थान के विद्यार्थियों के लिए कमाल का काम कर दिया था। अक्सर बैटल हाउस के विद्यार्थी गोली संस्थान के विद्यार्थियों को उनकी कम मार्शल क्षमता के लिए छेड़ा करते थे, लेकिन विराज के इस प्रदर्शन के बाद गोली संस्थान के विद्यार्थी बैटल हाउस के विद्यार्थियों की मौज लेने वाले थे कि अब बताओ, हम गोली संस्थान के विद्यार्थी तो गोली बनाने के साथ साथ मार्शल क्षमता में भी तुमसे आगे निकल चुके हैं। विकास दिव्य कीर्ति की बात सुनकर चक्रधर के चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए और वो अपना मुंह बनाकर फरहान की तरफ देखने लगे। फरहान वो इंसान था जिसने सबसे पहले विराज को कलेंजर संस्थान के विद्यार्थी बनने का अवसर दिया था, लेकिन चक्रधर के मुताबिक फरहान विराज को सही तरह से समझा नहीं सके, जिसका असर ये हुआ कि बैटल हाउस ने एक बड़ा अवसर खो दिया। चक्रधर को इस तरह गुस्से से अपनी तरफ देखता देखकर फरहान ने अपना चेहरा चक्रधर के सामने से हटाकर वापस से टावर ट्रायल की ओर कर दिया। टावर ट्रायल की ओर देखते ही उनके होश उड़ गए। अगले ही क्षण वो तेज आवाज में चिल्लाए, अब ये क्या माजरा है? आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? फरहान की बात सुनकर चक्रधर ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, ये क्या बक रहे हो? तुम बैटल हाउस में एक शिक्षक हो और मैं वाइस डीन। तुम्हारी इस तरह से बात करने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। ऐसा कहते हुए चक्रधर की नजरें टावर ट्रायल पर चली गई। टावर ट्रायल को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने हैरानी के साथ कहा, क्या टावर ट्रायल में कोई गड़बड़ी हो गई है क्या? या फिर जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्होंने टावर ट्रायल पर जल रही बत्तियों को अच्छे से देखने के बाद कहा, विराज 24वीं मंजिल को इतनी जल्दी कैसे पार कर सकता है? यहाँ चल क्या रहा है? विकास दिव्य कीर्ति और बाकी लोग भी टावर ट्रायल को देखने के बाद स्तब्ध रह गए और चुपचाप टावर ट्रायल को ही देखते रह गए।
उसी समय उनकी आंखों के सामने 25वीं, 26वीं, 27वीं मंजिलों की बत्तियां जल उठी। अचानक से 25, 26, 27 बत्तियों के जल उठने की वजह से टावर ट्रायल के बाहर एक सन्नाटा छा गया। हर कोई इस नजारे को देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि टावर ट्रायल में चल क्या रहा था। किसी को लग रहा था कि टावर ट्रायल में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो किसी को लग रहा था कि टावर ट्रायल में आज तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर आज कैसे कोई गड़बड़ हो सकती है। हर कोई इस घटना की अपनी अपनी व्याख्याएं बना रहा था। कुछ ही देर में विराज टावर ट्रायल की 3 मंजिल पार कर चुका था। टावर ट्रायल के इतिहास में ये इस तरह की पहली घटना थी। यही कारण था कि कोई भी इस घटना को पचा नहीं पा रहा था और अपच मन से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। टावर ट्रायल के बाहर खड़े लोग अभी 25, 26, 27 मंजिलों की बत्तियों को जल उठने से ही होश में नहीं आए थे कि उसी समय टावर ट्रायल की 28 और 29वीं मंजिल की बत्तियां भी जल उठी और विराज टावर ट्रायल के दरवाजे से होकर बाहर आ गया। ये देखकर तो सभी लोगों की सांसें उनकी हलक में ही अटक कर रह गई। अब तो किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। सभी लोग आंखें भाड़े विराज को टावर ट्रायल से बाहर आते ऐसे देख रहे थे मानो वो किसी इंसान को नहीं किसी दूसरी दुनिया के एलियन को देख रहे हो, जिसकी शक्ति और क्षमता के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो। उनके लिए वो परियों के देश का वो शहजादा बन चुका था जो सिर्फ उनकी कहानियों में होता था, हकीकत में नहीं। विराज टावर ट्रायल से बाहर निकलता हुआ बेहद निराशा में खुद से ही बोल रहा था, धत तेरे की, 29वीं मंजिल पर जाने के लिए मार्शल पूर्वज योद्धा होना जरूरी है। हालांकि विराज समर सिंह की अधूरी तलवार के दम पर 29वीं मंजिल तक पहुंच तो गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक सुनहरे रंग की तेज रोशनी उसके शरीर पर पड़ी और वो टावर ट्रायल के दरवाजे से बाहर हो गया। विराज को समझ आ रहा था कि वो उस सुनहरे रंग की रोशनी से तुरंत मारा गया था और इस वजह से हार कर टावर ट्रायल से बाहर निकाल दिया गया था। विराज भले ही अंदर से थोड़ी निराशा और हताशा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल तो कोई और ही कहानी रच और गढ़ रहा था। विराज को देखते ही तालियों का सैलाब वहां उमड़ पड़ा। हर कोई विराज के सम्मान में उठ खड़ा हुआ और विराज को प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ भी वो सभी कर सकते थे वो कर रहे थे। विराज के नाम का शोर वहां चारों ओर मच उठा। विराज की उपलब्धि ने सभी को अचंभे में ला दिया था। उसी समय फरहान विराज के पास तेजी से आए और उसकी कमर पर शाबाशी से हाथ मारते हुए कहा, विराज तुमने कमाल का प्रदर्शन किया है, फिर क्यों अपना चेहरा ऐसे लटकाया हुआ है? क्या तुम उस सुनहरे रंग की रोशनी के हाथों एक पल में मारे गए, इस बात से निराश हो? अगर ऐसा है तो निराश मत हो। फरहान टावर ट्रायल की मंजिलों को पार कर चुके थे, इसीलिए वो अच्छे से जानते थे कि हर मंजिल पर किस तरह की चुनौतियां थी, साथ ही हर मंजिल पर जाने के लिए क्या शर्त थी और किस तरह का मार्शल लेवल होने की जरूरत थी। फरहान को पता था कि विराज क्यों 29वीं मंजिल से बाहर निकाल दिया गया था। फरहान की बात सुनकर विराज का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय चक्रधर तेजी से विराज के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, विराज आखिर अंदर चल क्या रहा था, तुम अचानक से 25वीं मंजिल से 29वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गए? चक्रधर का ये सवाल पूछते ही वहाँ चारों ओर मच रहा कोलाहल अचानक से सन्नाटे में बदल गया, क्योंकि वहाँ खड़ा हर इंसान इस समय यही जानना चाहता था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो गया कि विराज एक के बाद एक मंजिल चढ़ता चला गया। चक्रधर की बात सुनकर विराज को समझ नहीं आया कि इस बात का वो क्या उत्तर दे। उसने जवाब दिया, शायद बाद की मंजिलों में कोई खास चुनौतियां नहीं थी। विराज के लिए 24वीं मंजिल पर अग्निदेव का सामना करना सबसे ज्यादा मुश्किलों से भरा रहा था। इसके बाद आगे की मंजिलों पर विराज के सामने जो भी चुनौतियां आई विराज ने उन्हें पल भर में ही ढेर कर दिया और इसी वजह से विराज ने कुछ ही देर में 25 से 29वीं मंजिल तक का सफर तय कर लिया था। विराज का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हतप्रभ खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये विराज आखिर किस मिट्टी का बना था जो इसे 25, 26, 27, 28वीं मंजिल पर होने वाले मुकाबले आसान लग रहे थे। संस्थान के अंदर इतने ही विद्यार्थी थे जो इन मंजिलों पर अटक कर रह गए थे या फिर उन्हें इन मंजिलों को पार करने में काफी ज्यादा समय लगा था।
ऐसे विद्यार्थी तो इस समय एकदम बुद्ध बन गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्रदर्शन को साधारण समझे या विराज को असाधारण मानकर किसी अलग ही कोटि में रख दे, क्योंकि उसका प्रदर्शन इंसानी क्षमता के हिसाब से तो उन्हें नहीं लग रहा था। दूसरी ओर विराज को लग रहा था कि समर सी की अधूरी तलवार और अनेक मार्शल तकनीक स्किल के साथ वो टावर ट्रायल की आगे की मंजिलों को भी पार कर सकता था। उसी समय अमायरा वहां आई और उसने वहां आते ही सभी विद्यार्थियों की ओर देखकर कहा, चलो जितना पूछना था पूछ लिया, अब विराज को आराम करने दो, वो इस समय काफी थक गया होगा। अमायरा की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। अमायरा कलिंजर अंपायर के राज परिवार से आती थी और एक राजकुमारी थी, इस कारण से विद्यार्थी होने के बावजूद उसका रुतबा वहां पर काफी ज्यादा था। इसी वजह से अमायरा की बात सुनकर सभी लोगों ने विराज और अमायरा के लिए रास्ता खाली कर दिया। संस्थान के प्रमुख जो वहां मौजूद थे वो विराज से अपने सवाल पूछ ही चुके थे, इसीलिए उन्हें अब विराज से कुछ नहीं पूछना था। उन्होंने भी विराज को नहीं रोका। विराज अमायरा के साथ तेजी से वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद विराज ने अमायरा से कहा, सीनियर अमायरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों की उस भीड़ से निकलकर विराज काफी राहत महसूस कर रहा था। वो बेहद थका हुआ था और इस समय इतने सारे विद्यार्थियों से बात करने की स्थिति में नहीं था। उसी समय अमायरा एक जगह पर रुक गई और उसने विराज से कहा, विराज मुझे तुमसे कुछ कहना है, दरअसल मुझे कुछ बहुत जरूरी बात तुमसे कहनी है। आखिर अमायरा को विराज से क्या जरूरी बात करनी थी? क्या कोई बड़ी समस्या पैदा हो चुकी थी जिसके लिए अमायरा को विराज की मदद की दरकार थी? क्या विराज के सामने कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 232, अमायरा की दरिया दिली। विराज टावर ट्रायल से निकलकर अमायरा के साथ वहां से वापस आ चुका था। विराज ने अमायरा को शुक्रिया कहा, क्योंकि अमायरा विराज को विद्यार्थियों की भीड़ से तेजी से खींचकर निकाल लाई थी। अमायरा ने विराज की ओर देखकर कहा, इनाया और मैं एक तरह से मुंह बोली बहने हैं। इस हिसाब से तो तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम्हारी मदद तो करना बनता ही है। वैसे एक बात बताओ, इनाया तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं लौटी? विराज ने जब बिना कुछ छिपाए अमायरा को बताया, इनाया दी विदिशा नगर में रहकर वर्धन परिवार की सुरक्षा कर रही है। विदिशा नगर में अभी हालात नाजुक है। अमायरा इनाया की सबसे खास मित्र थी। दोनों के बीच काफी गहरा और मजबूत रिश्ता था जो आपसी विश्वास पर टिका था। एक बार इनाया ने विराज को कहा था कि वो अमायरा पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करती थी, इसीलिए विराज को अमायरा को सब कुछ सच सच बताने में कोई डर नहीं लगा। वैसे भी अमायरा कलिंजर अंपायर के राजा की बेटी थी, ऐसे में कुछ भी पता लगवाना अमायरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। विराज की बात सुनते ही अमायरा ने अपना हाथ अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने विदिशा नगर में वसु परिवार का खात्मा कर दिया था। ऐसे में तो विदिशा नगर में वसु परिवार की सारी संपत्ति पर कई लालची भेड़ियों की नजर होगी। ये सही हुआ कि इनाया वहाँ रहकर वर्धन परिवार की सुरक्षा का काम देख रही है। अगले क्षण अमायरा के दिमाग में कुछ कौन था, हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पिता ने शाही टुकड़ी को मेरे पास भेजा है, मैं शाही टुकड़ी का एक हिस्सा विदिशा भेज सकती हूँ। वो शाही टुकड़ी विदिशा में रहकर वर्धन परिवार की रक्षा करेगी। शाही टुकड़ी के वहाँ होने पर मुझे नहीं लगता कि किसी की भी हिम्मत वर्धन परिवार पर आंख उठाने की पड़ेगी। अमायरा की बात सुनकर विराज हक्का बक्का रह गया। शाही टुकड़ी कलिंजर अंपायर के राजा की सेना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा थी। इसी शाही सेना के दम पर कलिंजर राजा पूरे कलिंजर अंपायर को नियंत्रित रख पाते थे। शाही सेना की शाही टुकड़ी का सबसे कमजोर सिपाही भी एक 9th ग्रेड मार्शल पूर्वज योद्धा होता था। इस शाही टुकड़ी का कप्तान कम से कम एक 5th ग्रेड मार्शल सम्राट होता था। शाही टुकड़ियों में कई सारे मार्शल राजा मौजूद थे। शाही टुकड़ियों के चीफ कमांडर एक 9th ग्रेड जीवन रस अमृत योद्धा थे। इस तरह से ये कहा जा सकता था कि शाही टुकड़ी कलिंजर अंपायर में शक्तिशाली और प्रभावशाली अस्तित्व रखती थी।
इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं थी कि शाही टुकड़ी के विदिशा नगर में आने के बाद वर्धन परिवार को कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि वर्धन परिवार को अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचना पड़ जाता, तब जाकर वर्धन परिवार इस शाही टुकड़ी का खर्च वहन कर सकता था। एक शाही टुकड़ी में कम से कम 6 9th grade मार्शल पूर्वज योद्धा और 1 5th grade मार्शल सम्राट योद्धा होता था। ये सब सोचकर विराज ने जवाब दिया, मैं सीनियर अमायरा के इस विशेष स्नेह के लिए दिल से आभारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शाही टुकड़ी को सीनियर अमायरा की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, इसीलिए उसका यही रहकर आपकी सुरक्षा करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सुनकर अमायरा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तात गिरिराज को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुमने तात गिरिराज के महल में अपना नाम लिखवा रखा हो। तुमने टावर ट्रायल में परिहार परिवार के पूर्वज की छोड़ी गई परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, ऐसा करके तुम पहले ही शाही टुकड़ी को वर्धन परिवार को भेजने के लिए अर्हता प्राप्त हो। अमायरा की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम तात गिरिराज के महल के लिए पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन वर्धन परिवार शाही टुकड़ी के खर्चों को वहन करने में सक्षम नहीं है। विराज की बात सुनकर अमायरा ने कहा, अच्छा तो ये बात तुम्हें खटक रही थी। हाँ, ये बात भी तो ठीक है कि शाही टुकड़ी कलिंजर अंपायर में जगह जगह सुरक्षा देने के लिए जाती है, और जिसकी सुरक्षा के लिए जाती है उसे ही शाही टुकड़ी के खर्चों को वहन भी करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि मेरा ही उदाहरण लो, मेरी सुरक्षा के लिए भेजी गई शाही टुकड़ी सीधे कलिंजर अंपायर के महाराज से संबंधित है, ऐसे में शाही टुकड़ी के खर्चों का वहन राजशाही करती है। मैं अपनी इसी टुकड़ी में से एक टुकड़ी विदिशा नगर भेज दूंगी तो वर्धन परिवार पर किसी तरह का कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। अमायरा की बात सुनकर विराज गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि विदिशा नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी विदिशा के गुप्त पहरेदारों के सेनापति अंशुमान ने पहले ही ले रखी थी, लेकिन इस समय सेनापति अंशुमान बहुत घायल थे, ऐसे में वर्धन परिवार की पूरी तरह से रक्षा करना उनके लिए भी संभव नहीं था। इनाया की विदिशा नगर रुकने का ये भी एक बड़ा कारण था। इन हालातों में शाही टुकड़ी का वर्धन परिवार के लिए विदिशा नगर में होना वर्धन परिवार की 100% सुरक्षा को तय कर देता। विराज को इस तरह गहरी सोच में डूबा देखकर अमायरा ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? तुम चिंता मत करो, मैं फिलहाल शाही टुकड़ी को विदिशा नगर भेज देती हूँ। इसके बाद मैं जब राजधानी जाऊंगी तो जाकर कलिंजर सम्राट से इस बारे में बात करके भेजी गई शाही टुकड़ी को अपने खाते में डलवा लूंगी। अमायरा की इस दरिया दिली को विराज कैसे नकार सकता था। उसने अमायरा की ओर देखकर कहा, आपका बहुत बहुत आभार इनाया दी, सच में भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी मित्र मिली। ये सुनकर अमायरा ने हवा में हाथ मारते हुए कहा, अरे बस रहने दो, ये मेरे लिए कोई खास बड़ी चीज नहीं है, वैसे भी इनाया तो मेरी जान है। खैर, तुम और इनाया दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली हो, जिस वजह से तुम शाही कलिंजर परिवार के लिए बहुत खास हो, ऐसे में तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर मैं शाही टुकड़ी भेज सकती हूँ। तुम दोनों की जगह कोई और होता और चाहे मेरा कितना भी अजीज क्यों ना होता, शायद मैं उसके लिए इस तरह से शाही टुकड़ी नहीं भेज पाती। अमायरा की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा, अमायरा ने एकदम सही कहा था। विराज को तो खुद परीक्षित परिहार ने कलिंजर संस्थान आकर हर तरह के मदद की पेशकश की थी, लेकिन ये अमायरा का बड़प्पन था कि वो अपनी इस मदद का सारा क्रेडिट खुद न लेकर विराज और इनाया की प्रतिभा के साथ बांट रही थी, इसीलिए इस बात पर विराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देना उचित समझा। उसने अमायरा से कहा, सीनियर अमायरा, किसी भी काम के लिए अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा यही हूँ, अगर काम मेरी हद का होगा तो मैं करने से पीछे नहीं हटूंगा। विराज की बात सुनते ही अमायरा गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर तक सोचने के बाद अमायरा ने कहा, विराज वैसे तो एक काम है जहाँ मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है,
मुझे पता चला है कि चंद्रवंशी परिवार में कुछ चल रहा है। जिस तरह से अयान चंद्रवंशी सब कुछ छोड़कर बहुत तेजी से अपने घर चला गया और जाने की बात से उसकी कोई खबर मुझे नहीं मिली। सच कहूँ तो उसकी सुरक्षा को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, ऐसे में चंद्रवंशी परिवार में छिपकर नहीं जा सकती। तो क्या विराज, तुम वहाँ जाकर ये पता लगा सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है? जितनी तुम्हारी शक्ति है, जब तक कि तुम चंद्रवंशी परिवार के साथ किसी विवाद के गहरे ना उलझ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो सकता। अमायरा की बात सुनते ही विराज ने जवाब दिया, सीनियर अयान ने तो कई जगहों पर मेरी मदद की है, अगर सच में वो किसी खतरे में है तो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा और सही बात का पता लगाकर आपको इस बारे में सारी जानकारी दूंगा। विराज के अयान चंद्रवंशी के साथ काफी गहरे ताल्लुकात बन चुके थे। विराज के सिर्फ कहने भर से अयान विराज के साथ कई खतरनाक मिशनों पर चल पड़ा था। चंद्रवंशी परिवार कलिंजर अंपायर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। ऐसे में अगर अयान चंद्रवंशी परिवार का नेतृत्व करता तो ये चंद्रवंशी परिवार के साथ साथ वतन परिवार के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो सकता था। इसके साथ ही अमायरा के एहसान को उतारने का भी विराज के लिए ये अच्छा मौका बन चुका था, इसीलिए विराज ने वहां से जाने का निर्णय तुरंत कर लिया। विराज की हाँ सुनकर अमायरा ने राहत की सांस ली और कहा, विराज तू सच में इनाया की तरह ही बहुत बहादुर हो और अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले इंसान हो। विराज, जब तुम चंद्रवंशी परिवार में जाओगे तो बाहर से शाही टुकड़ी तुम्हारी मदद करेगी। अगर सच में चंद्रवंशी परिवार के साथ कुछ गलत हो गया है तो तुम शाही टुकड़ी के साथ संपर्क कर लेना। शाही टुकड़ी अयान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, सीनियर अमायरा, आप चिंता ना करें, अगर सच में सीनियर अयान को वहाँ कोई खतरा हुआ तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर सीनियर अयान को उस खतरे से बाहर निकाल कर ले आऊंगा, आप निश्चिंत रहे। अगर अमायरा ने विराज से मदद न भी मांगी होती तब भी अयान के खतरे में होने की सूचना मिलते ही विराज चंद्रवंशी परिवार की भूमि की ओर तुरंत निकल पड़ता और अयान को कुछ नहीं होने देता। अगर चंद्रवंशी परिवार की गद्दी पर ऐसा इंसान बैठ जाता जिसके रिश्ते अयान के साथ बहुत कड़वे होते तो इस वजह से वर्धन परिवार के रिश्ते भी उस इंसान के साथ कड़वे ही हो जाते। इससे वर्धन परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। वर्धन परिवार के अयान के साथ काफी गहरे संबंध बन चुके थे। ऐसे में अयान का विरोधी अयान को हटाकर खुद सत्ता पर बैठ जाता तो वो अयान के दोस्त वर्धन परिवार को भी मार डालने की कोशिश करता। दोस्त का दुश्मन आखिरकार दुश्मन जो होता है। विराज की नजर में दुश्मन को बीज रहते ही खत्म कर देना बेहतर होता है। जैसे जैसे दुश्मन शक्तिशाली होता जाएगा वैसे वैसे उसका खतरा बड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए विराज किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि अयान के दुश्मनों के हाथों में चंद्रवंशी परिवार की बागडोर चली जाए। अमायरा ने अपने यूनिवर्स रिंग से एक काले रंग का टोकन बाहर निकाला और उसे विराज को देते हुए कहा, इस टोकन को ले लो। इस टोकन को लेकर जाकर राजधानी के सेना प्रांत प्रमुख को दे देना और उनसे एक शाही टुकड़ी ले लेना जो तुम्हारे साथ बाहर से संपर्क बनाकर रखेगी जब तुम चंद्रवंशी परिवार के अंदर जाओगे। विराज ने अमायरा से टोकन लिया और सीधे अपने कमरे पर चला गया। काफी देर हो चुकी थी इसीलिए वो कमरे में जाते ही सो गया। सुबह जल्दी उठकर वो संस्थान के मुख्य द्वार से होकर टेलीपोर्ट रचना का टावर पहुंच गया। जैसे ही विराज टावर ट्रायल पर पहुंचा, गोल्डन पंख पहले ही वहां पहुंच चुका था। गोल्डन पंख को देखते ही विराज के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। गोल्डन पंख ने अग्निदेव के साथ हुए मुकाबले में कमाल की प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। बिना कोई देर किए विराज गोल्डन पंख को लेकर टेलीपोर्टेशन करके राजधानी पहुंच गया। विराज कलिंजर अंपायर की राजधानी आ चुका था। ये पहली बार था जब वो किसी शाही परिवार के आंतरिक मामलों में दखल देने यहाँ आया था। अमायरा के अनुसार चंद्रवंशी परिवार आंतरिक कलह से जूझ रहा था, तो क्या विराज अयान तक पहुंच पाएगा? और अयान तक पहुंचकर क्या उस आंतरिक कलह से लड़ने में अयान की मदद कर पाएगा? क्या विराज किसी गहरी साजिश का हिस्सा बनने जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन प
पॉकेट एफएम सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 233 वसु परिवार की साजिश। विराज और गोल्डन पंख राजधानी आ चुके थे। वो तेजी से कलिंजर अंपायर के शासक के सेना मुख्यालय जा रहे थे। वहां जाकर वो अमायरा का दिया काले रंग का टोकन दिखाकर शाही टुकड़ी की मदद लेने वाले थे। उसी समय राजधानी के वसु परिवार के एक गुप्त चैम्बर में कुछ लोग बैठे किसी मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। उस गुप्त चैम्बर के ठीक बीच में वसु परिवार के मुखिया मारीच वसु खड़े थे। उस चैम्बर में कुछ चमकने वाले मोती रखे थे जिससे उस पूरे चैम्बर में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसी चैम्बर के एक कोने में बर्फ से ढकी एक आकृति बैठी थी। वो आकृति वसु परिवार के पूर्वज और कलिंजर अंपायर के 7 संस्थापकों में से एक महासेना वसु की थी। मारीच वसु के सामने एक काले रंग की पोशाक पहने इंसान घुटनों के बल बैठा था। सर झुकाए बैठे उस काली पोशाक वाले इंसान ने बिना अपना सिर ऊपर उठाए घबराई आवाज में कहा, श्रीमंत मुखिया, वर्धन परिवार का वो लड़का विराज राजधानी आ चुका है। ये सुनते ही मारीच वसु की आंखें अचानक से चमक उठी और उसने सवाल पूछा, क्या वो अकेला आया है? मारीच वसु का सवाल सुनकर काली पोशाक पहने इंसान ने जवाब दिया, कुल मिलाकर 2 लोग हैं, विराज के साथ एक लड़का भी आया है। हालांकि उस लड़के के बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इतने शक्तिशाली युवा योद्धा को इससे पहले कभी भी राजधानी में नहीं देखा गया। उस लड़के के बारे में जो इकलौती जानकारी हमारे पास है वो ये है कि ये लड़का दानव प्रजाति से संबंधित है। हमारे गुप्तचरों ने इस लड़के को कई बार भाई मुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन कपिलाचार्य के साथ देखा है। दानव प्रजाति, भाई मुक्त अमर संस्थान। ये सुनते ही मारीच वसु के चेहरे पर विकृतियां तन उठी। उसका चेहरा तनाव से भर उठा। दानव प्रजाति और मानव प्रजाति का हमेशा से ही मित्रता का साथ रहा था। दानव प्रजाति ने हमेशा मानव प्रजाति के मुश्किल समय में उनका साथ दिया था। इसी वजह से ये नामुमकिन था कि किसी भी तरह से दानव प्रजाति के साथ संबंध समाप्त कर दिए जाए। मारीच वसु सोचने लगे, उफ, अगर ये दानव प्रजाति का कोई साधारण योद्धा होता तो उसे चुपचाप मरवा देता। लेकिन भाई मुक्त अमर संस्थान, ये मामला तो बहुत जटिल और चुनौती भरा होने वाला है। भाई मुक्त अमर संस्थान का नाम तो कलिंजर संस्थान से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये संस्थान दानव प्रजाति का तो आन बान और शान है। ऐसे में भाई मुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन का रुतबा तो दानव प्रजाति में बहुत ऊपर है। इन हालातों में अगर भाई मुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन कपिलाचार्य को कुछ हो जाता है तो इस घटना को दानव प्रजाति पूरे दानव समाज पर हुए हमले के रूप में देखेगी। दानव प्रजाति के सामने वसु परिवार टिक नहीं पाएगा, भले ही हमारे पास संस्तर तक के योद्धा ही क्यों ना आ जाए। नहीं, इस कपिलाचार्य से सीधे लड़ने में तो नुकसान हमारा ही हो जाएगा। मारीच वसु ने काली पोशाक इंसान को देखकर उसे आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ कि वो वर्धन परिवार का लड़का राजधानी में करने क्या आया है। साथ ही विराज के साथ आए उस लड़के के बारे में भी जल्द से जल्द पता करो। ऐसा कहकर मारीच वसु के शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। मारीच वसु की बात सुनकर काली पोशाक इंसान ने अपनी गर्दन नीचे ही किए कहा, जी श्रीमंत। ऐसा कहकर वो उठा और वहां से चला गया। काली पोशाक के चले जाने के बाद मारीच वसु ने लंबी गहरी सांस ली और व्यग्रता के साथ उस चैम्बर में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसी समय बर्फ की मूर्ति के अंदर से महासेना वसु की आवाज आई, धैर्य रखो, समय के साथ साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर बात हद से आगे बढ़ने लगेगी तो हम भूत या हड्डी प्रजाति को कहकर वर्धन परिवार के उस लड़के और उसका साथ देने वालों को मरवा देंगे। ये सुनकर हल्की झल्लाहट के साथ मारीच वसु ने कहा, क्या सिर्फ यही तरीका बचा है? हमने कितनी ही बार उस विराज को मारने की कोशिश की लेकिन हर बार नतीजा निराशाजनक ही रहा।
दूर प्रजाति के हत्यारे भी उसके हाथों मारे गए। मारीच वसु की झल्लाहट समझकर महासेना वसु ने कहा, इतनी चिंता मत करो मारीच वसु, इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर तुम इस तरह से अपना धैर्य खो दोगे तो बड़ी मुश्किलों में क्या करोगे। तुम वसु परिवार के मुखिया हो, अपने आप को थोड़ा धैर्यवान बनाओ। इस लड़के की शक्ति को हमने अब तक कम आंका था, इसीलिए ये लड़का जीत पा रहा है। अगली बार हम भूत या हड्डी प्रजाति के ज्यादा शक्तिशाली हथियारों को भेजेंगे। वसु परिवार हमेशा से ही भूत और हड्डी प्रजाति की मदद लेता आया था और ये बात अब पूरी तरह से जग जाहिर हो चुकी थी। लेकिन इससे भी वसु परिवार भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति से मदद लेने में नहीं हिचक रहा था। मारीच वसु ने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा, इष्ट हम क्या करें? क्या एक छोटे से लड़के से हार कर ऐसे ही चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे? ऊपर से अब ये भाई मुक्त अमर संस्थान की नई मुसीबत आ गई है। समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के विराज को भाई मुक्त अमर संस्थान का साथ कहां से मिल गया। सच में ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा भाग्य लेकर आया है। मारीच वसु की झल्लाहट भाग कर महासेना वसु ने कहा, एक बात याद रखना मारीच, विजेता वो नहीं होता जो शक्तिशाली होता है, विजेता वो होता है जो जानता है कि कब किस प्यादे को कैसे चलना है। मैंने अपने जीवन में अपने से ज्यादा शक्तिशाली कई योद्धाओं को मौत के घाट उतारा है। भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति का हमेशा से ही दानव प्रजाति के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। जरा सोचो, अगर उस विराज का साथ देने वाले कपिलाचार्य की मौत भूत प्रजाति या हड्डी प्रजाति के किसी हथियारे के हाथों हो भी जाती है तो इससे वसु परिवार का क्या नुकसान होगा? दानव प्रजाति क्या करेगी? वो कपिलाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा भूत प्रजाति या हड्डी प्रजाति के कुछ योद्धाओं को मार डालेगी। कुछ योद्धाओं के मारे जाने से भूत प्रजाति या हड्डी प्रजाति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में भूत प्रजाति या हड्डी प्रजाति के साथ हमारी मित्रता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हम सही समय पर कुछ कीमती उपहार भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति के कुछ प्रमुखों को भेज देंगे। मामला कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शांत हो जाएगा। महासेना वसु की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद मारीच वसु ने कहा, तो फिर मुझे जाकर सभी जरूरी कार्यों को पूरा करना चाहिए। इस पर महासेना वसु ने कहा, बिल्कुल, एक बात का ध्यान रखो मारीच, हमारा 1000 साल का परछाई संरक्षण समाप्त हो रहा है। इस समय हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। हमें अपने एक एक चाल को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। मारीच वसु ने कहा, मुझे आपका आशय समझ आ रहा है। ऐसा कहकर मारीच वसु उस गुप्त चैम्बर से बाहर चला गया। मारीच वसु के वहां से जाते ही उस गुप्त चैम्बर में चमक रहे मोती किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव से चमकना बंद हो गए और ऐसा होते ही उस गुप्त चैम्बर में घना अंधेरा छा गया। राजधानी की सड़कों पर विराज गोल्डन पंख के साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। जल्द ही वो दोनों लोग राजधानी के दक्षिण में बसे राजकुमारी अमायरा के महल के नजदीक पहुंच गए। राजकुमारी अमायरा का महल कलिंजर अंपायर की राजधानी के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला था। महल के बाहर की सजावट बहुत महंगी थी और सारी जगह रोशनी से जगमगा रही थी। इससे पता चल रहा था कि कलिंजर अंपायर में राजकुमारी की हैसियत बहुत ऊंची थी। विराज और गोल्डन पंख दोनों राजकुमारी अमायरा के महल के बाहर पहुंच गए। वो एक पहरेदार के पास चले गए जो महल के बाहर पहरा दे रहा था। विराज और गोल्डन पंख को अपनी तरफ आता देखकर वो पहरेदार चौकन्ना हो गया। महल के बाहर से काफी लोग गुजर रहे थे लेकिन उन दोनों में से विराज और गोल्डन पंख को आता देखकर उस पहरेदार को थोड़ा संशय हुआ, क्योंकि अमायरा तो यहाँ पर थी नहीं, इसीलिए राजकुमारी अमायरा की किसी परिचित के वहां आने की पहरेदार को कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। विराज ने जैसे ही देखा कि महल के बाहर खड़ा एक पहरेदार उन पर पैनी निगाहों से नजर रख रहा था, उसने तुरंत गोल्डन पंख को कहा, गोल्डन पंख तुम आगे जाकर बात करो।
ऐसा कहकर विराज ने अमायरा के दिए गए टोकन को बाहर निकाला और उसे गोल्डन पंख को पकड़ा दिया। महल के बाहर खड़े पहरेदार ने जैसे ही विराज के हाथों में उस काले टोकन को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि साधारण से दिखने वाले दो युवकों के पास वो टोकन था। वो सोचने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि राजकुमारी ने ये टोकन किसी और को दे दिया। कहीं ये हमारे नए होने वाले दंडाधिकारी तो नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमारी का रिश्ता तो पहले ही चंद्रवंशी परिवार के सदस्य के साथ तय हो चुका है, तो फिर राजकुमारी इस काले स्वर्ण तलवार टोकन को किसी बाहरी को क्यों देगी? पहरेदार ये सब सोच ही रहा था कि ठीक उसी समय गोल्डन पंख ने आकर उसके सामने वो काला टोकन पेश कर दिया। उस टोकन को देखकर पहरेदार ने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, आपका स्वागत है श्रीमंत। शाही पहरेदारों का ये नियम था कि वो कलिंजर शासक को छोड़कर बाकी किसी को नहीं जानते और वो बस हुक्म की तामील करते थे। इस हिसाब से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काला स्वर्ण टोकन किसके हाथ में था। जैसे ही कोई काला स्वर्ण टोकन दिखाएगा उसके लिए एक शाही टुकड़ी की व्यवस्था करना उनका फर्ज था। हालांकि काले स्वर्ण टोकन की एक खासियत ये थी कि ये अपने मालिक के साथ आत्मा से जुड़ा था। इस काले स्वर्ण टोकन के ऊपर एक खास किस्म की सील चढ़ी थी। टोकन का मालिक जब तक अपनी आत्मा की शक्ति से उस सील को तोड़कर इसे किसी और को नहीं दे देता था, तब तक उसका टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर कोई छल से इस टोकन को चुराने की कोशिश करता तो इस टोकन पर चढ़ी सील इस टोकन को तुरंत नष्ट कर डालती। इस वजह से पहरेदार को इस बात का तनाव नहीं था कि कोई गलत इरादों को अंजाम देने के लिए बल या छल से इस काले टोकन को हासिल कर सकता था और इस तरह शाही टुकड़ी का दुरुपयोग कर सकता था। गोल्डन पंख ने शाही सेना के पहरेदार को कहा, मुझे शाही टुकड़ी के सैनिक और हथियारों की जरूरत है। इस शाही टुकड़ी के साथ हम चंद्रवंशी परिवार में जाकर अयान चंद्रवंशी को वापस लेकर आएंगे। गोल्डन पंख को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। शाही टुकड़ी, शाही सेना, कलिंजर अंपायर, किसी से नहीं। उसे तो बस अपने उस्ताद से मतलब था। जब तक उसका उस्ताद सुरक्षित था उसे कोई चिंता नहीं थी। गोल्डन पंख की बात सुनकर पहरेदार ने गोल्डन पंख और विराज को गहरी नजर से देखा और फिर कहा, जैसा श्रीमंत की आज्ञा। ऐसा कहकर वो पहरेदार महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो पहरेदार वापस लौट आया। उसके साथ एक शाही टुकड़ी थी। उस शाही टुकड़ी में काले रंग की युद्ध पोशाक पहने 7 सैनिक थे। उस शाही टुकड़ी के महल के बाहर आते ही महल के बाहर से गुजर रहे लोग वहीं ठहर गए और उस शाही टुकड़ी को देखने लगे। विराज अमायरा के कहने पर राजधानी शाही टुकड़ी लेने चला गया था। यहाँ से विराज चंद्रवंशी परिवार जाकर अयान को वापस लाने वाला था। तो चंद्रवंशी परिवार में विराज के साथ क्या क्या होने वाला था? क्या विराज चंद्रवंशी परिवार में जाकर अयान की मदद कर पाएगा और उसे चंद्रवंशी परिवार का युवराज बनने में मदद दे पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 234 राजधानी में हंगामा। विराज और गोल्डन पंख अमायरा के महल के बाहर खड़े थे। गोल्डन पंख के काले स्वर्ण टोकन को दिखाने की वजह से शाही सेना की एक शाही टुकड़ी महल के बाहर उन दोनों के लिए आ चुकी थी। उस शाही टुकड़ी को देखकर महल के बाहर से गुजर रहे लोग वहीं ठहर गए और शाही टुकड़ी को विराज और गोल्डन पंख के पीछे देखकर हैरान रह गए। दो अजनबी लोग शाही टुकड़ी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये बात सभी के लिए रहस्यमय सनसनी की तरह कौतूहल से भरी हुई थी। सभी लोग टकटकी लगाए विराज और गोल्डन पंख की ओर देखने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि बाहरी दिख रहे ये दोनों युवा आखिर कौन हो सकते थे। शाही टुकड़ी के उनके पास आ जाने के बाद गोल्डन पंख सवारिया नजरों से विराज की ओर देखने लगा और उसने कहा, उस्ताद अब क्या करना है? वहाँ बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा हो जाने की वजह से विराज वहाँ से जल्द निकल जाना चाह रहा था। उसने गोल्डन पंख से कहा, शाही टुकड़ी को मेरे साथ लेकर शहर के बाहर तेजी से चलना है। ऐसा कहकर विराज तेजी से मुड़ा और वहां से आगे की ओर बढ़ चला। विराज की बात सुनकर
गोल्डन पंख सभी सातों शाही टुकड़ी के सैनिकों को लेकर विराज के पीछे चल पड़ा। उसी देर में सभी नौ लोग राजधानी से बाहर निकल चुके थे और राजधानी के लोगों की नजरों से दूर जा चुके थे। राजधानी से चंद्रवंशी परिवार जाने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन रचना का टावर मौजूद नहीं था, इस कारण से उन सभी को पैदल ही चंद्रवंशी परिवार की भूमि तक जाना था। हालांकि विराज और बाकी लोगों की शानदार मार्शल क्षमता के कारण उन लोगों को चंद्रवंशी परिवार की भूमि तक पहुंचने में एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला था। विराज और बाकी सभी लोग तेज रफ्तार से चंद्रवंशी परिवार की भूमि की ओर बढ़ चले। अभी तक विराज और गोल्डन पंख के राजधानी में आने और अपने साथ शाही सेना की शाही टुकड़ी लेकर जाने की खबर पूरी राजधानी और सभी प्रमुख परिवारों में आग की तरह फैल चुकी थी। राजधानी के सभी शक्तिशाली परिवार इस घटना की अपनी अपनी व्याख्या करना शुरू भी कर चुके थे। कलिंजर अंपायर के राजा के शाही महल के एक बाग में कलिंजर अंपायर के राजा परीक्षित परिहार खड़े थे। उनके पीछे भारी भरकम कवच पहने एक शाही सैनिक खड़ा था। सम्राट परीक्षित अपने हाथों में पकड़े एक सफेद रंग के लॉकेट को बार बार अपनी उंगलियों में घुमा रहे थे। उन्होंने शाही सैनिक को देखते हुए उससे कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि विराज के पास अमायरा का काला स्वर्ण टोकन है और विराज उस काले स्वर्ण टोकन को दिखाकर अमायरा के महल से एक शाही टुकड़ी को अपने साथ लेकर कहीं गया है। सम्राट परीक्षित परिहार की बात सुनकर शाही सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, जी सम्राट यही विषय है। अपने हाथों में पकड़े उस लॉकेट को उंगलियों के बीच में घुमाते हुए कुछ गहराई में सोचते हुए वो बोले, यह तो वाकई काफी दिलचस्प घटना है। राजकुमारी अमायरा उस काले स्वर्ग टोकन को हमेशा अपने दिल से लगाए घूमती थी, यहाँ तक कि चंद्रवंशी परिवार के उस अयान तक को भी उसने कभी वो काला टोकन छूने तक नहीं दिया और अब ये टोकन विराज को दे दिया, जरूर कुछ गहरी बात है। मुझे इस मामले की तह में जाकर चीजों को समझना होगा। ये लड़का विराज दिनों दिन दिलचस्प रूप अख्तियार करता जा रहा है। ऐसा कहकर सम्राट परीक्षित ने भारी भरकम कवच पहने शाही सैनिक को गंभीर स्वर में कहा, जाओ और अमायरा के महल में शाही सैनिकों का एक समूह भेजो। एक दूसरा काला स्वर्ण टोकन कलिंजर संस्थान में अमायरा के पास भेज दो। सम्राट परीक्षित की आज्ञा सुनकर वो शाही सैनिक वहाँ से चला गया। सम्राट परीक्षित के पास ही राजसी वस्त्रों में एक महिला खड़ी थी। वो अभी तक शांत खड़ी थी, दोनों लोगों की बातों को सुन रही थी। शाही सैनिक के चले जाने के बाद उस महिला ने कहा, क्या आप अमायरा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं? उस राजसी वस्त्रों में पहने महिला को सम्राट परीक्षित ने जवाब दिया, राजकुमारी अमायरा परिवार की सबसे होनहार जीनियसों में से एक है। अगर हम उसके निर्णयों पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमें अमायरा की काबिलियत और फैसले लेने की उसकी समझदारी पर पूरा यकीन है। वो लड़का विराज कोई साधारण लड़का नहीं है। उस लड़के ने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया था। हमें मालूम है कि तुम्हें अमायरा से थोड़ी शिकायत रहती है, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी खुद की पहचान को नहीं भूलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। ऐसा कहकर सम्राट परीक्षित उस महिला को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। सम्राट परीक्षित के जाने के बाद उस महिला के चेहरे पर मनहूस भाव उभरने लगे। कलिंजर अंपायर की राजधानी के एक दूसरे कोने में वसु परिवार के महल के अंदर एक गुप्त चैम्बर में मारीच वसु अपने हाथों को जोड़े महासेना वसु के सामने खड़ा था। महासेना वसु बर्फ की सीलिंग के अंदर साधना की अवस्था में बैठे थे। वहाँ का तापमान काफी कम था, इस वजह से मारीच वसु को कपकपाहट छूट रही थी। मारीच वसु ने महासेना वसु से कहा, हमारे महान पूर्वज, हमारे जासूसों ने खबर भिजवाई है कि वर्धन परिवार का वो लड़का विराज राजधानी में राजकुमारी अमायरा के महल के बाहर दिखा है। वहाँ उसे कलिंजर सम्राट की शाही सेना की शाही टुकड़ी दी गई। उस शाही टुकड़ी को लेकर उसने राजधानी छोड़ दी। बर्फ की सीलिंग के अंदर बंद साधना की अवस्था में बैठे महासेना वसु पर ये शब्द बिजली की तरह गिरे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और मारीच वसु की तरफ देखकर उग्र आवाज में कहा, शाही सेना,
आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? ये लड़का दिनों दिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब इस लड़के की पहुंच शाही सेना तक हो गई है और शाही सेना इसे अपनी एक शाही टुकड़ी दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का विराज धीरे धीरे कलिंजर अंपायर के सम्राट के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। अरिज जाओ, विजयपाल को तैयार करो। उसे कहो कि उसे विराज नाम के एक लड़के की तुरंत हत्या करनी है। महासेना वसु का आदेश सुनते ही मारीच वसु सकपका गया और उसने थोड़ा डरते हुए महासेना वसु से कहा, हमारे महान पूर्वज क्या विजयपाल जैसे शक्तिशाली योद्धा को विराज जैसे मामूली लड़के के लिए भेजना उस लड़के को ज्यादा आंकना नहीं हुआ? जब विजयपाल को मालूम चलेगा कि सिर्फ एक सेवेंथ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा को मारने के लिए उससे कहा जा रहा है तो कहीं वो इसे अपना अपमान ना समझ ले। मारीच वसु की बात सुनकर महासेना वसु क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने गुस्से से भरकर मारीच वसु से कहा, पागलों वाली बात मत करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वर्धन परिवार का वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है? आज उसकी पहुंच कलिंजर अंपायर के शाही सेना तक हो चुकी है। वो दुष्ट लड़का कलिंजर संस्थान के अंदर बने टावर ट्रायल में कलिंजर अंपायर के पहले राजा परिहार की विरासतों तक पहुंच चुका है। इसीलिए उसे सिर्फ एक सेवेंथ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा के नजरिए से देखना बंद करो। रही बात विजयपाल की, तो वो हमारा सिर्फ एक सेवक है। हमारे हर आदेश को आंखें बंद करके मानना उसका धर्म है। जब तक वो हमारी बात मानता रहेगा तब तक हम कुछ हड्डियां उसे फेंकते रहेंगे। जिस दिन उसने हमारी बात मानने से इनकार किया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमें हमारे घर में सिर्फ हमारे पालतू चाहिए जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। इसीलिए विजयपाल से कहना कि जितना कहा जा रहा है उतना करें। महासेना वसु की झिड़की सुनकर मारीच वसु अंदर तक हिल गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारे महान पूर्वज मैं समझ गया। ऐसा कहकर वो तेजी से उस गुप्त चैम्बर से बाहर निकल गया। मारीच वसु के वहां से जाने के बाद महासेना वसु सोचने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि परिहार वंश के प्रथम राजा परिहार की रखी गई विरासतों तक वो लड़का पहुंच बना लेगा। महासेना वसु कलिंजर अंपायर को स्थापित करने वाले 7 लोगों में से एक थे। इस कारण से उसे कलिंजर अंपायर के कई सारे राज के बारे में गहराई से जानकारी थी। उसे टावर ट्रायल और वहां से जुड़ी सभी चीजों की गहराई से जानकारी थी। महासेना वसु को अच्छे से मालूम था कि कलिंजर अंपायर के पहले सम्राट की छोड़ी गई सभी विरासतों में से सिर्फ एक ही विरासत ऐसी थी जो सम्राट परिहार की अपनी विरासत थी। पहले महासेना वसु को मालूम नहीं था कि विराज को टावर ट्रायल के अंदर कौन सी विरासत हासिल हुई थी, लेकिन शाही टुकड़ी के विराज के साथ जाने के बाद महासेना वसु को समझ आ रहा था कि विराज को जरूर सम्राट परिहार की छोड़ी गई अपनी इकलौती विरासत ही विराज को मिली थी। यही कारण रहा होगा जो सम्राट परीक्षित परिहार ने विराज के साथ शाही सेना की एक टुकड़ी भेज दी। महासेना वसु को लग रहा था कि राजकुमारी अवायरा ने भले ही विराज को टोकन देकर शाही टुकड़ी लेने के लिए भेजा था, लेकिन बिना सम्राट परीक्षित परिहार की सहमति के वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी। हालांकि इस बार महासेना वसु बिल्कुल गलत अंदाजा लगा रहे थे। भले ही विराज ने सम्राट परिहार के द्वारा छोड़ी गई परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि खुद सम्राट परीक्षित परिहार भी विराज की मदद करके वसु परिवार का खात्मा ही चाहते थे। इसके साथ ही विराज वर्धन परिवार का ही एक वंशज था। ये बात पूरे कलिंजर अंपायर में फैल चुकी थी। ऐसे में सम्राट परिहार परीक्षित तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, लेकिन महासेना वसु ये अंदाजा नहीं लगा सके। कलिंजर अंपायर के दक्ष परिवार के महल के अंदर मुख्य हॉल में कुछ हलचल हो रही थी। यश दक्ष मुख्य हॉल में बैठे हुए थे। उसके सामने एक जासूस खड़ा था। यश दक्ष के हाथों में एक काले सिल्क के कपड़े से बनी एक रहस्यमय किताब थी। उसने जासूस की ओर पैनी निगाहों से देखकर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है
कि राजकुमारी के महल से एक शाही टुकड़ी को अनुज विराज के साथ कहीं पर भेजा गया है। यश की बात सुनकर जासूस ने तुरंत जवाब दिया, जी श्रीमंत, हमारी सूचना पक्की है। वर्धन परिवार के विराज के पास राजकुमारी अमायरा का दिया हुआ काला स्वर्ण टोकन था। उस टोकन को दिखाकर विराज शाही टुकड़ी को अपने साथ कहीं पर लेकर गए हैं। जासूस की बात सुनकर यश दक्ष ने कहा, दिलचस्प, इनाया का भाई विराज एक बेमिसाल प्रतिभा का धनी युवा है। ऐसी महान प्रतिभा का अपने साथ होने पर बहुत से लाभ हो सकते हैं। ऐसा कहकर यश दक्ष के अंदर कुछ मचलने लगा। वो सोचने लगे, अगर मैं विराज की शादी अपनी छोटी बहन शनाया के साथ करा दूं, तो कैसा रहेगा? ऐसा शक्तिशाली दामाद पाकर भविष्य में दक्ष परिवार के पास कलेंजर अंपायर का सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा। मुझे एक बार इस बारे में शनाया से बात कर लेनी चाहिए। देखता हूँ इस बारे में उसकी क्या राय है। यश दक्ष ने हमेशा ही विराज की क्षमता को सही आका था। यही वजह थी कि यश दक्ष ने बहुत पहले ही विराज को टोकन देकर उसे अपना मेहमान बना लिया था। और अब तो यश दक्ष को यकीन हो चला था कि विराज के नेतृत्व में वर्धन परिवार फिर से अपनी पुरानी शक्ति और सामर्थ्य को हासिल कर लेगा। ये सब सोचते हुए यश दक्ष सीधे शनाया के कमरे की ओर बढ़ चले, ताकि शनाया से पूछकर इस बारे में उसकी राय जान सके। यश दक्ष शनाया की शादी विराज से करवाकर विराज को अपना दामाद बनाने की सोच रहा था। तो क्या शनाया विराज से शादी करने के लिए हाँ कहने वाली थी, या फिर ना कहकर यश दक्ष की इस योजना को नकार देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 235, थंजावुर नगर। यश दक्ष शनाया के कमरे में चला गया और वहां जाकर उसने शनाया से कहा, विराज तुम्हें कैसा लगता है? मैं सोच रहा था कि विराज के साथ शादी को लेकर तुम्हारी क्या राय है। यश दक्ष का इतना प्रत्यक्ष प्रश्न सुनकर शनाया सकपका गई। विराज उसकी नजरों में एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसने कभी भी इन नजरों से विराज को नहीं देखा था। ऐसे में बड़े भाई के मुंह से ये सुनकर वो पूरी तरह से असहज हो गई और बात को पलटने के लिए उसने कहा, क्या भैया, आप कुछ भी सोचने लगते हैं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे आपको इस समय खुद की फिक्र करनी चाहिए। भाभी आकांक्षा पिछले 3 वर्षों से आपकी राह ताक रही है। जिस तरह से आप बातों को टालते जा रहे हैं, देखना किसी एक दिन भाभी के बाबा हमारे महल का दरवाजा तोड़कर घुस जाएंगे और आपका अपहरण करके जबरदस्ती आपकी शादी आकांक्षा के साथ करवा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो सोचो दक्ष परिवार की कितनी बदनामी होगी। और आप तो जानते ही हैं कि जिस युवा के हाथों परिवार को बदनामी मिलती है, उस युवा के साथ दक्ष परिवार क्या करता है? आप बोरिया बिस्तर बांध कर महल के बाहर खड़े होंगे। ऐसा कहकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे यश दक्ष को चढ़ाने में खूब मजा आ रहा था। साथ ही बड़ी सफाई से उसने यश दक्ष के लाए गए विषय और प्रस्ताव को भी टाल दिया था। शनाया की बात सुनकर यश दक्ष अंदर तक झेप गया। वो समझ गया कि शनाया इस विषय पर बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने इस विषय पर कोई और बात न करना ही बेहतर समझा। वो वापस अपने कमरे में लौट गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी काली सिल्क के कपड़ों की बनी किताब की ओर देखा। उस किताब के कवर पर लिखे शब्द उसे साफ नजर आ रहे थे। वो शब्द थे, आवारा मसीहा जीनियस रैंकिंग। यश दक्ष ने उस किताब के दूसरे पन्ने को खोल लिया। दूसरे पेज पर कुछ लाइनें लिखी थी, विदिशा प्रांत, काल्पी सिटी, विराज वर्धन, रहस्यमय सूची क्रमांक 2। विराज जो तेजी से चंद्रवंशी परिवार की भूमि की ओर बढ़े जा रहा था, उसे इस बात का हल्का सा भी इल्म नहीं था कि उसका अमायरा के महल जाकर शाही सेना की शाही टुकड़ी लेकर निकलना राजधानी के अंदर तूफान ला चुका था। राजधानी के सभी शक्तिशाली परिवार इस घटना से चौकन्ना हो उठे थे। विराज गोल्डन पंख और 7 सैनिकों की शाही टुकड़ी के साथ पूरा एक दिन पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वो लोग तंजावुर नगर पहुंच चुके। तंजावुर नगर के पास ही पहाड़ के ऊपर चंद्रवंशी परिवार का विशाल काय किला मौजूद था।
तंजावुर नगर वहाँ मौजूद तंजावुर की पहाड़ी के नीचे बसा एक नगर था। तंजावुर नगर विस्तार छोटी भूमि के चंद्रवंशी परिवार का एक प्रशासनिक नगर था। इस नगर की खासियत ये थी कि इस नगर में चंद्रवंशी परिवार में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार, सैनिकों के परिवार और योद्धाओं के परिवार रहते थे। समय के साथ ये नगर विकसित होता गया और इसके अंदर की रौनक और चमक बढ़ती चली गई। आज ये नगर उम्मीद, खुशियां और संपन्नता से भरा हुआ नगर था। तंजावुर नगर तंजावुर पहाड़ियों के चारों ओर बस गया था। इस वजह से चंद्रवंशी परिवार के किले तक जाने के लिए तंजावुर नगर से होकर गुजरना जरूरी था। इससे चंद्रवंशी परिवार पर चोरी छिपे हमला करना संभव नहीं रह गया था। एक पूरे नगर से चोरी छिपे बिना कोई शोर मचाए निकलना लगभग नामुमकिन ही था। विराज भी जब शाही टुकड़ी के साथ तंजावुर नगर में दाखिल हुआ तो तंजावुर नगर में खबरों का बाजार अचानक से गर्म हो उठा। नगर के सभी लोगों की नजरें विराज की और उसके साथ आए लोगों पर जा टिकी। हर कोई कौतूहल भरी नजरों से उन सभी लोगों की ओर देखने लगा। अगर नगर के अंदर केवल विराज और गोल्डन पंख ही आए होते तो नगर में इससे कोई खास हलचल नहीं होती, लेकिन विराज के साथ आई शाही टुकड़ी पूरी तरह से हथियारों और कवच से लैस थी, जिस पर कलिंजर सम्राट के निशान स्पष्ट थे। इसी कारण से विराज और बाकी लोग तंजावुर नगर में चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुके थे। शाही सेना की शाही टुकड़ी का दर्जा पूरे कलिंजर एम्पायर में बहुत ऊंचा था। विराज को समझ आ रहा था कि शाही टुकड़ी की वजह से पूरे नगर में हंगामा मच चुका था। विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखा और कहा, शाही टुकड़ी को लेकर जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर ठहराओ, इसके बाद मेरे पास आ जाना, मैं सीनियर आयान से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विराज गोल्डन पंख और शाही टुकड़ी को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। विराज आयान का काफी अच्छा मित्र बन चुका था, इसीलिए उसे चंद्रवंशी परिवार के बारे में कुछ जानकारियां थी। वो जल्द ही तंजावुर नगर को छोड़कर आगे निकल गया और पहाड़ी के नजदीक पहुंच गया। वो पहाड़ी रास्ते से होकर चंद्रवंशी परिवार के किले की ओर बढ़ चला। जल्द ही विराज चंद्रवंशी परिवार के किले के बाहरी दरवाजे तक पहुंच गया। मुख्य दरवाजे के बाहर चंद्रवंशी परिवार के कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि विराज के वहां आने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। जिस समय विराज पहाड़ पर चढ़ रहा था उसी समय गुप्तचरों ने किसी लड़के के वहां आने की खबर दे दी थी। मुख्य द्वार पर खड़े चंद्रवंशी परिवार के एक प्रमुख ने विराज को देखते ही पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विराज ने जवाब दिया, मैं विराज वर्धन हूँ। मैं कलिंजर अंपायर की राजकुमारी के प्रतिनिधि के रूप में युवा मास्टर अयान चंद्रवंशी से मिलने आया हूँ। ऐसा कहकर विराज ने काला स्वर्ण टोकन को बाहर निकाल लिया और उसे चंद्रवंशी परिवार के उस प्रमुख को दे दिया। उस काले स्वर्ण टोकन को देखते ही चंद्रवंशी परिवार का वो प्रमुख उस टोकन को पहचान गया। वो समझ गए कि राजकुमारी अमायरा ने विराज को वहां भेजा था। ये पता लगते ही वहां का माहौल तेजी से बदल गया। सभी लोगों ने विराज का आगे बढ़ने के लिए रास्ता छोड़ दिया। विराज की खातिरदारी वहां शुरू हो गई। विराज उस प्रमुख के साथ किले के अंदर चला गया। किले के अंदर आने पर एक अन्य इंसान ने विराज का स्वागत करते हुए कहा, युवा मास्टर इस समय एकांतवास में रहकर साधना में विलीन है। युवा मास्टर विराज, आप हमारे साथ हमारे आराम गृह चले और कुछ देर आराम फरमाए। विराज ने सहमति में अपना सिर हिलाया और उस इंसान के साथ चल पड़ा। चंद्रवंशी परिवार के उस किले में अपना पहला पैर रखते ही विराज बेहद सतर्क हो गया। अचानक से होने वाले किसी भी अनहोनी के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। उसे चंद्रवंशी परिवार के अंदर चल रही कलह में अयान के दुश्मनों के बारे में कुछ जानकारियां दी। शुरू में तो उसे लगा था कि अयान के विरोधी उसे किले के अंदर आसानी से घुसने नहीं देंगे। अंदर आने पर जब उसे मालूम हुआ कि अयान एकांतवास में रहकर साधना कर रहा था तो उसे लगा कि इस अवसर का लाभ उठाकर अयान के विरोधी उस पर कोई कार्यवाही कर सकते थे। वो किले के अंदर बड़ी आसानी से दाखिल हो गया। हालांकि इस बात से वो थोड़ा आशंकित हो गया था क्योंकि अयान ने बहुत जल्दबाजी में विदिशा नगर छोड़ दिया था और तेजी से वो अपने घर लौट आया था। इस वजह से विराज लगातार सतर्क था क्योंकि उसे इस बात का खतरा था कि उसे कभी भी किसी गहरी साजिश में उलझाया जा सकता था। वो इंसान विराज को जल्द ही किले के अंदरूनी हिस्से में ले गया।
वहाँ पर वो उसे एक हॉल में ले गए। अभिराज को वहाँ पर एक आसन पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, युवा मास्टर इस समय एकांतवास में है, हम अभी उन्हें आपके आने की सूचना देते हैं, तब तक आप आराम कीजिए। उस इंसान के ऐसा कहते ही कई सेवक खाने की कई सारी चीजें लेकर वहां आ गए और विराज के सामने परोस दी। विराज ने सहमति में अपना सिर हिला दिया, हालांकि वो अभी भी पूरे मुस्तैदी के साथ अपने आसपास की हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए था। उसने आत्मा के संबंध के जरिए गोल्डन पंख को पहले ही सतर्क रहने का संदेशा भेज दिया था। उसी समय हॉल के अंदर एक छिछोरी आवाज गूंज गई, मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई का कोई मित्र यहाँ उपस्थित हुआ है, हैं? उसी समय हॉल के अंदर एक भद्दा इंसान राजसी कपड़ों से अपनी चमड़ी को लिपटाए वहां पर आ गया। उसने विराज को नफरत भरी नजरों से देखा। विराज ने जब उस बदमिजाज युवा को देखा तो उसकी आंखों में नफरत तैर गई। उस भद्दे बदमिजाज युवा ने विराज से कहा, अच्छा तो तुम हो जो यहाँ पर मुश्किली पैदा करने आए हो, हैं? तुम वर्धन परिवार से हो, हाँ? याद रखना चंद्रवंशी परिवार बहुत शक्तिशाली है, उसके साथ की गई किसी भी तरह की साजिश का परिणाम घातक होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे वर्धन परिवार के लिए भी। उस भद्दे युवा की बात सुनकर विराज को समझ आ रहा था कि चंद्रवंशी परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी। उसकी बात सुनकर विराज ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुम्हारे अनुमान गलत है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? उस भद्दे बदमिजाज युवा ने अहंकार से जवाब दिया, चंद्रवंशी परिवार का वैभव चंद्रवंशी। ये सुनकर विराज ने उस भद्दे बदमिजाज युवक को गहरी नजरों से मापा। वो इस नाम से परिचित था। वो भद्दा इंसान चंद्रवंशी परिवार का नंबर वन जीनियस था। उसकी प्रतिभा और शक्ति अयान से अधिक आंकी जा रही थी। अगर उसकी उम्र कम न होती और उसका व्यवहार शक के घेरे में न होता तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं रहती कि चंद्रवंशी परिवार का अगला उत्तराधिकारी कौन होने वाला था। फिर भी वैभव चंद्रवंशी परिवार का उत्तराधिकारी होने का मजबूत दावेदार था। विराज को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर वैभव ने कहा, तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर विराज शांत हो गया। ये भूमि चंद्रवंशी परिवार की थी, इसीलिए उसे शांत रहकर बेहद समझदारी से अपना काम करना था। विराज को शांत खड़ा देखकर वैभव चंद्रवंशी थोड़ा झल्ला गया। उसका मन हो रहा था कि वो विराज को वहीं पर पटक कर पीट डाले, लेकिन इस समय कई लोगों की विराज और उस पर नजर थी। ऐसे में विराज पर किए गए हमले पर उसे अपने परिवार से कड़ी सजा मिलती, इस कारण से वो वहीं पर शांत खड़ा रहा। उसी समय चंद्रवंशी परिवार का एक सेवक वहां पर आया और उसने विराज से कहा, युवा मास्टर विराज, युवा मास्टर अयान यहां पर आपसे मिलने नहीं आ सकते, उन्होंने आपको वहीं पर मिलने बुलाया है। सेवक की बात सुनकर विराज ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वो सेवक के पीछे चल पड़ा। विराज सेवक के साथ किले के पीछे स्थित एक विशाल काय हॉल में आ गया। उस हॉल में पानी और औषधियों से भरा एक पानी का पुल था। विराज ने ध्यान से देखा तो पाया कि अयान उस पानी के पुल के ठीक बीच में साधना की अवस्था में बैठा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव थे। उसका माथा फूटा हुआ था, जिसे कई तरह की दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां लगाकर जोड़ा गया था। उसके सिर पर लगातार औषधियों की बूंदे गिराई जा रही थी। ये नजारा देखते ही विराज के माथे से पसीना बहने लगा। उसे समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा हुआ था, नहीं तो अयान इतनी बुरी तरह से घायल क्यों होता? आखिर चंद्रवंशी परिवार में ऐसा क्या घटा था जिस वजह से अयान इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था? क्या विराज अयान को उसकी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर पाएगा? क्या विराज की मदद से अयान चंद्रवंशी परिवार का उत्तराधिकारी बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 236 स्पेशल असाइनमेंट। अमायरा के कहने पर विराज कलिंजर अंपायर की शाही सेना की शाही टुकड़ी लेकर चंद्रवंशी परिवार पहुंच चुका था। चंद्रवंशी परिवार के किले में पहुंचने पर विराज अयान से मिलने गया। अयान औषधि के पुल के अंदर साधना की अवस्था में बैठा हुआ था। औषधि का वो पुल अनेक प्रकार की औषधियों से भरा पड़ा था। विराज पूरी तरह से औषधियों में डूबा हुआ था। उसके शरीर में
लगभग हर हिस्से में घाव थे। उसका माथा फूटा हुआ था। साधना की अवस्था में बैठे हुए अयान ने अपनी आंखें खोल ली। अपनी आंखें खोलते ही उसने विराज को अपने सामने पाया। विराज को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अयान ने खुशी से विराज की ओर देखते हुए पूछा, विराज कैसे हो मेरे भाई? मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए इस औषधि के पुल से बाहर निकलकर तुम्हारे गले नहीं लग सकता। विराज ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं सीनियर अयान, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? यहाँ चल क्या रहा है? विराज जो कि एक दुर्लभ प्रतिभा वाला अल्केमिस्ट था, वो उस औषधि के पुल के अंदर पड़ी हुई औषधियों की गुणवत्ता और शक्ति को समझ रहा था। औषधि के उस पुल में पड़ी औषधियाँ अलग अलग ग्रेड की हीलिंग औषधियाँ थी। अयान उन दुर्लभ कीमती और प्रभावशाली औषधियों के पुल में बैठा था, जिसका साफ मतलब था कि अयान के घाव काफी ज्यादा गहरे थे। इससे विराज के अंदर एक गहरी आशंका पैठ बनाते जाने लगी। ये जगह चंद्रवंशी परिवार का गढ़ था। इस जगह पर अयान को इतनी प्राण घातक चोट मिलने का मतलब यही था कि यहाँ पर जरूर कुछ बहुत बड़ा घटा था। विराज को स्तब्ध खड़ा देखकर अयान को समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अयान ने विराज से कहा, विराज कुछ दिनों पहले चंद्रवंशी परिवार के अंदर आंतरिक कलह हो गई थी। उस आंतरिक कलह ने बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया। परिवार के उसी आपसी युद्ध में मैं बुरी तरह से घायल हो गया। अयान की बात सुनकर विराज को समझ आया कि वहां पर क्या हुआ था। विराज अंदाजा लगा पा रहा था कि अचानक से अयान के परिवार में इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए होंगे। पिछले कुछ समय में अयान ने ऐसा काफी कुछ किया था जिससे चंद्रवंशी परिवार के अंदर उसका कद लगातार ऊंचा होता जा रहा था। पहले तो अयान ने ब्लैक फायर पाइथन धर्म की एक शाखा को नष्ट करने में भूमिका निभाई। इससे अयान का कद तेजी से चंद्रवंशी परिवार में उठ गया, जिसे ठीक बाद वसु परिवार के लोगों को उपलब्ध कराया। विराज को अब समझ आ रहा था कि अयान के ही परिवार के कुछ सदस्यों ने वसु परिवार के लोगों के लिए अयान को अच्छा सौदा करने नहीं दिया। कलिंजर संस्थान में रहकर अयान की शक्ति भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से चंद्रवंशी परिवार का अगला उत्तराधिकारी होने को लेकर परिवार के अंदर भीषण रक्तपात हो गया, ताकि अयान को अगला उत्तराधिकारी होने से रोका जा सके। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने अयान की ओर देखकर गंभीरता के साथ कहा, क्या आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत है? अयान ने मना करते हुए कहा, नहीं विराज, भले ही तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है, फिर भी तुम अभी सिर्फ एक सेवेंथ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा ही हो। तुम्हारा इन मामलों में उलझना काफी खतरनाक हो सकता है। अयान के सामने विराज अकेला ही खड़ा था, यहाँ तक कि गोल्डन पंख तक भी उसके सामने नहीं खड़ा था। इसीलिए अयान विराज को किसी बड़ी मुसीबत में उलझाना नहीं चाहता था। विराज अयान की चिंता समझ रहा था। उसने अयान को शांत स्वर में कहा, मेरी चिंता मत करो सीनियर अयान, मेरे साथ कलिंजर अंपायर की शाही सेना की शाही टुकड़ी आई है। इस शाही टुकड़ी का सबसे कमजोर सिपाही भी थर्ड ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा है, और इस शाही टुकड़ी का कप्तान एक सेकेंड ग्रेड मार्शल राजा है। गोल्डन पंख के साथ वो लोग तंजावुर नगर में ठहरे हुए हैं। शाही टुकड़ी! ये शब्द सुनते ही अयान की आंखें जगमगा उठी और उसने चौंकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने शाही टुकड़ी का इंतजाम कहां से कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये काम किसका हो सकता था, और उसने तुरंत पूछा, क्या अमायरा ने शाही टुकड़ी को भेजा है? अयान को समझ आ रहा था कि अमायरा के अलावा कोई और नहीं था जो शाही टुकड़ी की कमान विराज के हाथों में सौंप कर यहाँ भेज सकता था। अयान की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ सीनियर अमायरा ने ही शाही टुकड़ी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। सीनियर अयान, बिना किसी से कुछ कहे आप अचानक से अपने घर लौट आए थे। आपकी घर लौटने के बाद से कोई खबर ही नहीं थी। अमायरा इस बात से काफी परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मेरे साथ एक शाही टुकड़ी भी भेज दी। विराज की बात सुनकर अयान थोड़ा असहज हो गया
और बोला, अच्छा तो ये बात थी, मैं यहाँ के मुद्दों में कुछ ज्यादा ही उलझ गया। मुझे किसी को भेजकर अपने शकुशल होने का संदेश अमायरा तक पहुँचा देना चाहिए था। कुछ देर सोचकर अयान ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा तो गोल्डन पंख भी यही है और शाही सेना की शाही टुकड़ी भी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी मदद लेने पर तुम्हारी जिंदगी को कोई बड़ा खतरा तो नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार के अंदर उठे अंदरूनी घमासान को काफी हद तक दबा दिया गया था, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो परिवार के अंदर फिर से अंदरूनी घमासान उठाना चाह रहे हैं। ये लोग पास की ही एक पहाड़ी नील कमल पहाड़ी पर इकट्ठा होकर आगे की षड्यंत्रों की तैयारियां कर रहे हैं। चंद्रवंशी परिवार के ही कुछ बुजुर्ग और ज्येष्ठ लोग मिलकर उन लोगों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विराज, तो क्या तुम नील कमल पहाड़ पर जाकर वहाँ मामले की तहकीकात कर सकते हो? अयान के ऐसा कहते ही विराज के कानों में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, कांग्रेचुलेशंस विराज, अभी अभी एक स्पेशल असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है चंद्रवंशी परिवार का कलह। विराज, आप चंद्रवंशी परिवार की भूमि में तंजावुर नगर आए और यहाँ आने पर आपको पता चला कि अयान बुरी तरह से जख्मी है। अयान की ये हालत चंद्रवंशी परिवार में हुई आपसी रक्तपात का नतीजा है। हालांकि इस रक्तपात को काफी हद तक दबा दिया गया है, फिर भी कुछ लोग अभी भी नील कमल पर्वत पर छिपकर परिवार के अंदर फिर से जंग छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। विराज, आपको चंद्रवंशी परिवार के उन लोगों को नष्ट करना होगा। असाइनमेंट को पूरा करने पर आपको लॉटरी खेलने के 3 मौके मिलेंगे। मार्शल तकनीक के 2 लेवल बढ़ा दिए जाएंगे और एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज की आंखें चमक उठी। उसने औषधियों के पुल में डूबे हुए अयान चंद्रवंशी को ध्यान से देखा और कहा, सीनियर अयान, मैं नीलकमल पहाड़ पर जाऊंगा, वहां की सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दे। आप यहाँ रहकर जल्द से जल्द खुद को स्वस्थ करने की कोशिश करें। वहाँ की चिंता मेरी चिंता है, आप निश्चिंत रहें। विराज की बात सुनकर अयान के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। उसने विराज से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज। ऐसा कहने के बाद अयान ने अपने सेवकों को निर्देश दिया, विराज को मेरा टोकन दे दो, साथ ही मेरा एक आदेश इसी समय पारित करो कि भविष्य में जब भी विराज यहाँ पर होगा तो उसका दर्जा उतना ही होगा जितना मेरा है, समझ गए? अयान ने जिस तरह से अपने परिवार की अंदरूनी कलह को शांत किया था, उससे उसका वर्चस्व परिवार के अंदर काफी बढ़ गया था। परिवार की मुखिया को छोड़कर केवल 2 बुजुर्ग लोग ही थे जिनका दर्जा अयान से ऊपर था। यही कारण था कि अयान की कही गई बात का वजन चंद्रवंशी परिवार के अंदर बहुत बढ़ गया था। अयान की बात सुनकर सेवक ने कहा, जी वो मास्टर, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर सेवक कुछ हिचक के साथ वहीं खड़ा रहा। सेवक को ऐसा खड़ा देखकर अयान ने सेवक से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? सेवक ने हिचकिचाते हुए कहा, युवा मास्टर, कुछ देर पहले हमारे अतिथि हॉल में मास्टर विराज और युवा मास्टर वैभव के बीच कहासुनी सी हो गई थी। ये सुनते ही अयान का गुस्सा भड़कने लगा और उसने कहा, ये वैभव भी कब कहां किसके साथ क्या बात करनी है नहीं जानता, वैभव को यहां आने को कहो। ऐसा कहकर अयान ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, वैभव की बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहूंगा, कृपया उसकी कही गई बात को दिल से न लगाना, वो अभी बच्चा है और जानता नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। उसी समय वैभव चंद्रवंशी सेवक के साथ वहाँ पर आ गया। वहाँ आते ही वैभव ने अयान से कहा, क्या हुआ बड़े भैया, अचानक से मुझे क्यों याद किया? वैभव को देखते ही अयान का गुस्से से पारा चढ़ने लगा। कुछ पल के लिए तो वो ये तक भूल गया कि उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसने गुस्से से कहा, वैभव तुम यहाँ पर आओ। उसी समय राजसी वस्त्रों को पहने, चेहरे पर अहंकार और बदमिजाजी लिए वैभव अयान के पास आ गया और आते ही उसने कहा, भैया आप घायल हैं, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसे आपके उपचार में बाधा होगी, कृपया शांत हो जाइए।
ये सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, फिर भी तुम मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयान के चेहरे पर मंडरा रहे गुस्से को देखकर वैभव अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगा। अयान के ज्येष्ठ के साथ घनिष्ठ संबंध थे, साथ ही अयान ने वैभव को मार्शल तकनीक सीखने में काफी मदद भी की थी, जिस वजह से वैभव अयान का सम्मान भी करता था और साथ ही उससे डरता भी था। अयान की डांट से वो थोड़ा सहम गया। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ अयान से कहा, भाई इतना गुस्सा मत करो, सीनियर अयान को समझने में मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वैभव विराज की तरफ मुड़ा और उससे कहा, सीनियर विराज, अगर मेरे कहे गए किसी शब्द से आपको बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। विराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, तुम अयान के छोटे भाई हो, इस तरह से तुम मेरे भी अनुज हो। विराज इस बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, वैसे भी वैभव ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी, तो इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं रह गया था। अयान और वैभव के बीच के संबंध को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि अयान और वैभव के बीच अच्छे संबंध थे, पर अयान ने वैभव की कई जगहों पर मदद भी की थी। विराज की माफी सुनकर वैभव ने कहा, धन्यवाद सीनियर विराज। ऐसा कहने के बाद वैभव ने अपनी गर्दन घुमाई और अयान की ओर देखने लगा, जो औषधि के पुल के अंदर तक डूबा हुआ बैठा था। उसने अयान को देखकर कहा, अयान भाई, सीनियर विराज ने मुझे माफ कर दिया है, अब आप गुस्सा मत हो। वैभव की बात सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, जाओ यहाँ से, तुम तंद्रवंशी परिवार के नंबर एक जीनियस हो, तुम्हें इतना अहंकार शोभा नहीं देता, अहंकार हमारे शत्रुओं की संख्या में अनायास इजाफा कर देता है, तुम्हें आगे चलकर सतर्क और विनम्र होने की जरूरत है, नहीं तो चंद्रवंशी परिवार से बाहर जाने पर तुम चंद्रवंशी परिवार का नाम खराब करोगे। विराज अयान की मदद करने के लिए नील कमल पर्वत पर जाकर चंद्रवंशी परिवार के बचे हुए विद्रोहियों का दमन करने वाला था, तो क्या विराज इस मिशन में सफल होने वाला था, या फिर कोई बड़ी आपदा विराज को घेर कर उसके जीवन पर संकट बरसाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 237, नील कमल माउंटेन। अयान के कहने पर विराज नील कमल पहाड़ पर जाकर चंद्रवंशी परिवार के छिपे हुए गद्दारों को समाप्त करने के लिए तैयार हो गया था। विराज जब अयान से मिलने आया था तो अयान के छोटे भाई वैभव ने विराज के साथ गलत व्यवहार किया था, इस कारण से अयान वैभव को डांट रहा था कि तुम्हारे पास अगर शक्ति है तो उसके अहंकार में मत उड़ो, अपितु अपने व्यक्तित्व को बेहतर करो। वैभव ये याद रखना, अगर तुमने अपने अहंकार पर नियंत्रण लगाना नहीं सीखा तो भविष्य में तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अयान की डांट सुनकर वैभव चंद्रवंशी ने जवाब दिया, भैया मैं समझ गया। वो चंद्रवंशी परिवार का नंबर एक युवा जीनियस था, उसे बचपन से ही अपने आसपास के सभी लोगों से तारीफें ही मिल रही थी। ऐसे में अयान के कुछ शब्दों से कहां उसके दिमाग के बंद छिद्र खुलने वाले थे, वो छिद्र तो समय की तप्त आंच पर ही पिघलने वाले थे। इसके बाद वैभव के ऊपर से अपना ध्यान हटाकर अयान ने विराज से कहा, विराज तुम मेरे लिए यहाँ तक आए और अब नील कमल पहाड़ पर भी जाने के लिए तैयार हो, किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इस पर विराज ने कहा, एक मित्र सदैव दूसरे मित्र के साथ खड़ा रहता है, जैसे सीनियर अयान हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। ऐसा कहकर विराज सेवक से अयान का टोकन लेकर वहां से बाहर निकलकर अतिथि कक्ष में वापस आ गया। वहां आकर विराज ने गोल्डन पंख को आत्मा के संबंध के जरिए संदेशा भेजा कि शाही टुकड़ी को लेकर चंद्रवंशी परिवार के किले के बाहर जल्द से जल्द पहुंचे। गोल्डन पंख को संदेशा देते ही विराज ने देखा कि वहां पर वैभव चंद्रवंशी तेजी से दौड़कर आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, बड़े भैया मेरे लिए रुको। विराज को समझ नहीं आया कि वैभव को अचानक से उससे क्या काम पड़ गया था। वो वैभव को ध्यान से देखने लगा और उसने पूछा, क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वैभव चंद्रवंशी ने अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा,
बड़े भैया, आप चंद्रवंशी परिवार के उन गद्दारों को सबक सिखाने नीम कमल पहाड़ जा रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना मैं? विराज ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है? ये सुनकर वैभव चंद्रवंशी ने अपना सिर हिलाते हुए जोश से भरकर कहा, पिछली बार जब परिवार के अंदर आंतरिक कलह होने पर घमासान हुआ था, उस समय ज्येष्ठ एल्डर ने मुझे एक गुप्त चैम्बर में बंद कर दिया था ताकि मैं किसी तरह से घायल ना हो जाऊं। मुझे इस गुप्त चैम्बर से तभी निकाला गया जब मामला शांत हो गया। उस पूरे मामले से मुझे दूर रखा गया। हमारे परिवार के कई लोग नीलकमल पहाड़ पर गए हैं ताकि उन गद्दारों को उनके किए की सजा दे सके, लेकिन मेरे लाभ कहने पर भी वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। बड़े भैया, अब आप नीलकमल पहाड़ पर उन गद्दारों को सबक सिखाने जा रहे हो, तो क्या आप अपने साथ मुझे भी ले जा सकते हो? मैं भी वहां जाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आप मेरी उम्र पर मत जाना, मेरी शक्ति किसी से कम नहीं है। वैभव के ऐसा कहते ही फिफ्थ ग्रेड इंडियन ग्रैंड मास्टर की आभा उसके शरीर से निकलने लगी। उस आभा के निकलने पर वैभव ने विराज की ओर देखकर कहा, आप बताइए ये कैसा है एक फिफ्थ ग्रेड इंडियन ग्रैंड मास्टर? ऐसा कहकर वैभव तारीफ की आस में विराज की ओर देखने लगा। वैभव को देखकर विराज उससे हल्का प्रभावित तो हो रहा था। वैभव अयान से 3 साल छोटा था, फिर भी उसकी मार्शल क्षमता अयान के बराबर पहुंच चुकी थी। ये अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि अयान ने बाहरी दुनिया से कई खजानों को हासिल कर लिया था, इस वजह से वो वैभव से आगे था, लेकिन बिना उन खजानों के वैभव ही उस पर भारी पड़ने वाला था। वैभव की बात पर विराज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पास खड़े एक सेवक से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वैभव को वहां जाना है या नहीं, इसका निर्णय मुझे करना है? वैभव की बात सुनकर सेवक ने जवाब दिया, हमारे युवा मास्टर को लगता है कि समय आ चुका है जब वैभव चंद्रवंशी भी बाहर निकलकर असलियत में चीजों का सामना करे और ये जाने कि जब वास्तविक परिस्थितियां सामने होती है तो किस तरह के हालात पैदा होते हैं। वैसे युवा मास्टर वैभव को लेकर जाना या ना लेकर जाना, ये निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। सेवक की बात खत्म होते ही वैभव ने विराज के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही कहा, बड़े भैया, अब मेरे बड़े भैया अयान को कोई एतराज नहीं है, तो कृपया आप मुझे अपने साथ लेकर चले। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन किसी तरह की भी कोई परेशानी तुम्हारी वजह से खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें वापस यहीं भेज दूंगा। विराज की सहमति सुनते ही वैभव खुशी से झूमते हुए बोला, शुक्रिया बड़े भैया, आप निश्चिंत रहे। ऐसा कहकर उसने सेवक से कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? तुम्हें दिख रही ना कि हम लोग एक बेहद खास मिशन पर जा रहे हैं, जल्दी जाओ और सारी तैयारियां करो। वैभव की बात सुनकर सेवक झल्लाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर वैभव विराज को देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर गर्व के भाव जगमगा रहे थे। ये देखकर विराज ने वैभव को नजरअंदाज किया और तेजी से किले के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में गोल्डन पंख शाही टुकड़ी को लेकर वहां पहुंच चुका था। वैभव चंद्रवंशी ने जब शाही टुकड़ी को अपने सामने देखा तो खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो ये है शाही सेना की शाही टुकड़ी, कमाल है। वैभव चंद्रवंशी ने छिपकर विराज और अयान के बीच की हल्की फुल्की बातचीत सुन ली थी, जिससे उसे पता चला था कि विराज के साथ कुछ सिपाही आए थे, लेकिन वो सैनिक शाही सेना के शाही टुकड़ी होंगे इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वजह से वो शाही टुकड़ी को देखकर चौंक गया था। शाही टुकड़ी के सैनिकों का दर्जा राज्य में काफी ऊंचा होता था। विराज ने गुस्से में वैभव से कहा, तो तुम छिपकर सब कुछ सुन रहे थे, क्या ऐसे कान लगाकर किसी की बात सुनना सही है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शाही टुकड़ी मेरे नेतृत्व में कार्य नहीं करती। इस शाही टुकड़ी को तुम्हारी भाभी ने कुछ समय के लिए मुझे सौंपा है ताकि मैं सीनियर अयान की मदद कर सकूं। विराज की बात सुनकर वैभव ने कहा,
ये तो जबरदस्त है। हालांकि वो मन ही मन जलन से मरे जा रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि बिना कलिंजर अंपायर के राजा की इजाजत के कोई शाही टुकड़ी को नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि राजकुमारी अमायरा के चाहने पर भी किसी के साथ शाही टुकड़ी नहीं भेज सकती थी, बशर्ते इसमें कलिंजर राजा की सहमति न हो। यहाँ तक कि अयान को भी कभी अपने साथ शाही टुकड़ी रखने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन विराज के नेतृत्व में शाही टुकड़ी को भेज दिया गया था। इसका मतलब वैभव अच्छे से समझ पा रहा था। विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखकर उसे आदेश दिया, गोल्डन पंख चलो और इस लड़के वैभव पर नजर रखना। अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो इसे उठाकर यहीं वापस पटक जाना। गोल्डन पंख ने गहरी नजरों से वैभव की ओर घूरा और फिर विराज को देखकर कहा, जैसा उस्ताद कहे। वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया इतना भी कठोर होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। वैभव की बात सुनकर विराज का चेहरा गंभीर हो उठा। कुछ ही देर में विराज, गोल्डन पंख, वैभव और शाही टुकड़ी के सातों सैनिक तेजी से नील कमल पहाड़ की ओर चल पड़े। नील कमल पहाड़ी उस किले की पहाड़ी से कई पहाड़ियों को छोड़कर आगे थी। काफी देर तक चलने के बाद विराज और बाकी लोग वहां तक पहुंच गए। नील कमल पहाड़ी का रास्ता एकदम खड़ा, संकरा और पतला था, जिस वजह से नील कमल पहाड़ी पर चढ़ाई करना आसान कार्य नहीं था। चंद्रवंशी परिवार में आंतरिक कलह होने पर विद्रोह करने वाले लोग किले से भागकर नील कमल पहाड़ी पर आ गए थे। नील कमल पहाड़ी ऊपर से एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती थी, जहाँ पर नीचे से आकर ऊपर वालों पर हमला करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। इसी कारण से चंद्रवंशी परिवार के गद्दारों ने नील कमल पहाड़ी को अपने छिपने का स्थान बनाया था। इस प्राकृतिक बाधा का लाभ लेकर वो चंद्रवंशी परिवार के हमलों से खुद की रक्षा कर रहे थे। चंद्रवंशी परिवार के ये गद्दार मरने मारने के लिए तैयार थे। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने पहाड़ में ही काफी सारे संसाधन इकट्ठा कर लिए थे। अयान के पिता अजामिदा चंद्रवंशी कुछ विशेषज्ञों को साथ लेकर चंद्रवंशी परिवार के उन गद्दारों को मारने के लिए नील कमल पहाड़ पर पिछले 3 दिनों से डटे हुए थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार संघर्ष के बाद भी वो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके थे। वो वही के वही खड़े रह गए थे। उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जल्द ही विराज और बाकी लोग उनके पास तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां से आगे के रास्ते की चढ़ाई एकदम सीधी थी। पहाड़ के ऊपर कई सारे तंबू लगे थे। पूरे रास्ते में तरह तरह के कांटे बिछाए गए थे। वहां चारों ओर सैनिक तैनात थे जो ऊपर जाने पर हमला कर रहे थे। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा चंद्रवंशी नील कमल पहाड़ी को चारों ओर से घेरे हुए थे, ताकि किसी भी हाल में उन विद्रोहियों को भागने का मौका ना मिल सके। विराज के वहां पहुंचने पर सफेद रंग की पोशाक पहने एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे साथ ये लोग कौन हैं? सफेद पोशाक पहने उस बूढ़े इंसान के चेहरे पर उन लोगों को देखकर संशय के भाव थे। सफेद पोशाक पहने बूढ़े को देखकर वैभव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, दादाजी आप लोगों की मदद करने के लिए अयान भैया ने विराज भैया के साथ हमें यहाँ भेजा है। ऐसा कहकर वैभव ने शाही टुकड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, बड़े भैया विराज भी अयान भैया के साथ कलिंजर संस्थान में ही पढ़ते हैं, ये यहाँ चंद्रवंशी परिवार की मदद करने आए हैं। उस सफेद पोशाक पहने बूढ़े इंसान ने जब वैभव की बात सुनी तो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ये चंद्रवंशी परिवार का आंतरिक मामला है, कोई बाहरी इसमें दखल कैसे दे सकता है? क्या अयान की बुद्धि घास सरने चली गई है? बाहर से मदद लेकर परिवार की इज्जत को क्या मिट्टी में मिला दे? ये सुनते ही वैभव ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे परिवार के लोगों ने विद्रोह किया और अपने ही परिवार के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, क्या ये खबर हर जगह फैल नहीं गई है? अब कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं? मेरा बड़ा भाई अयान मरने के कगार तक पहुंच चुका है, जाने कैसे उसकी जान बची है, ऐसे हालातों में बाहरी मदद लेने में भला क्या दिक्कत है? वैभव की बात सुनकर सफेद पोशाक पहने बूढ़े का चेहरा तमतमा उठा। हालांकि उसे वैभव की बात का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। थोड़ी दूर खड़ा विराज मन ही मन उस सफेद बूढ़े इंसान की यह हालत देखकर हंस रहा था।
उसके पीछे खड़े गोल्डन पंख और सातों सैनिक भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मिराज नील कमल पहाड़ पर पहुंच चुका था, तो आगे क्या होने वाला था? क्या मिराज चंद्रवंशी परिवार के विद्रोहियों को मार डालेगा या फिर कोई बड़ी मुसीबत में घिर जाएगा? क्या वसु परिवार का हत्यारा वहाँ आ धमकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पकड़ एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 238 विराज की योजना। विराज अयान की मदद करने के लिए नील कमल पहाड़ी पहुंच चुका था। वहां पर एक सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर को जब मालूम हुआ कि एक बाहरी उनके परिवार के आंतरिक मसले में मदद करने के लिए आया था, तो उन्हें उस बाहरी इंसान की मदद लेना नागवार गुजरा। उन्होंने किसी भी तरह की बाहरी मदद लेने से इनकार कर दिया। वैभव चंद्रवंशी ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्हें क्रोध आ गया। सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर वैभव चंद्रवंशी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मूर्ख! ऐसा कहकर उनका दाहिना हाथ हवा में उड़ गया। उनके शरीर से एनर्जी की धारा बहने लगी और वो वैभव को मारने के लिए आगे बढ़ चले। सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वैभव जल्दी से जाकर विराज के पीछे छिप गया और चिल्लाने लगा, बड़े भैया देखिए, बड़े ज्येष्ठ मुझे बचाइए, दादाजी मुझे मार डालेंगे। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति में क्या करे। चंद्रवंशी परिवार का नंबर एक जीनियस सच में एक चलता फिरता नमूना था। उसे नहीं पता था कि चंद्रवंशी परिवार अपने इस नमूने को कैसे झेलता था। वैभव की बात सुनकर सफेद पोशाक बुजुर्ग का गुस्सा और ज्यादा भड़कने लगा। उनकी छाती गुस्से से फूलने लगी। उनकी दाढ़ी के बाल तेजी से ऊपर नीचे होने लगे। उसी समय वहां पर एक शांत आवाज गूंज गई, ज्येष्ठ एल्डर शांत हो जाओ, वैभव तो हमेशा से ही ऐसा ही है, इतना गुस्सा होने का कोई कारण मौजूद नहीं है, इसे खेलने दो, ये तो बड़बोला है ही, इसके बचपने में क्यों फंस रहे हो? विराज ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि एक मध्यम उम्र का इंसान हरे रंग की पोशाक पहने उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उनके चेहरे पर एक हल्की और दैवीय मुस्कान छाई हुई थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई साफ नजर आ रही थी, मानो उन आंखों में कितने ही राज सदियों से दफन पड़े थे। उस इंसान को देखकर विराज ने लंबी गहरी सांस ली। वो उस इंसान को पहचान चुका था। वो चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा चंद्रवंशी थे, जो अयान के पिता थे, एक श्रेष्ठ मार्शल राजा योद्धा। अजामिदा चंद्रवंशी को अपने सामने देखकर विराज ने अपने दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए बड़े ही सम्मान के साथ कहा, ज्येष्ठात, अनुज विराज का प्रणाम स्वीकार करें। अजामिदा चंद्रवंशी ने विराज की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, राम भतीजे, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। इंद्रावसु के बेटे वर्धन परिवार का एक चमकता हुआ सितारा, जिसकी प्रतिभा किसी भी लिहाज से अग्नि देवी से कम नहीं है। तुम्हारा चंद्रवंशी परिवार में स्वागत है। अजामिदा की बात सुनकर विराज चुप हो गया। उसे मालूम नहीं था कि उसके पिता इंद्रावसु का चंद्रवंशी परिवार के मुखिया के साथ अच्छे संबंध थे। अजामिदा चंद्रवंशी ने शाही टुकड़ी की ओर देखकर कहा, अच्छा तो ये अमायरा बेटी ने भेजे हैं, तो अमायरा के कहने पर तुम यहाँ आए हो। अजामिदा शाही टुकड़ी के साथ सभी सैनिकों को पहचानते थे। वो सभी सैनिक अमायरा के अंगरक्षक थे, जो हमेशा अमायरा के साथ आते थे और आज विराज के साथ आए थे, जिस कारण से अजामिदा समझ गए थे कि अमायरा ने अपने अंगरक्षकों को अयान की मदद करने के लिए भेजा था। अजामिदा की बात सुनकर विराज ने कहा, सीनियर अयान अचानक से अपने घर लौट आए थे। घर लौटने के बाद से उनकी कोई खोज खबर सीनियर अमायरा को नहीं मिली, इस वजह से वो सीनियर अयान के लिए परेशान हो उठी, इसीलिए उन्होंने मुझे शाही सेना की एक शाही टुकड़ी देकर यहाँ पर सीनियर अयान की खोज खबर लेने और उनकी मदद करने के लिए भेजा। विराज की बात सुनकर अजामिदा सारी बातें अच्छे से समझ गए और उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बात है। इसके तुरंत बाद अजामिदा ने हल्के गुस्से में कहा, अयान अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। हमारे परिवार के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई और उसने अपने मंगेतर को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया,
उसे समय रहते अमायरा को सारी बातें बता देनी चाहिए थी। अजामिदा की इस बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा। वो उस पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगा जहां पर जाने के लिए एकदम सीधी चढ़ाई थी। इस वजह से ऊपर बैठे लोगों के सीधे निशाने पर आने का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन विराज के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। वैभव चंद्रवंशी ने जब विराज को पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए देखा तो अजामिदा चंद्रवंशी से कहा, जेष्ठात, बड़े भैया विराज एकदम सही कह रहे हैं। बड़े भैया यहाँ पर उन गद्दारों को सबक सिखाने आए हैं, लेकिन दादाजी बस नाराज ही हुए जा रहे हैं। अब बड़े भैया विराज भी तो एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी बाहरी की मदद नहीं चाहिए। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करना परिवार की शान के खिलाफ होगा। जेष्ठात, आप ही बताइए, क्या बड़े भैया की मदद लेने से हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आ सकती है भला? ऐसा कहकर वैभव चंद्रवंशी ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, जरा सोचिए, अगर परिवार के अंदर की ये बगावत जारी रहती है तो परिवार की कितनी बदनामी होगी। तो क्यों ना बड़े भैया विराज और शाही टुकड़ी के साथ मिलकर इस बगावत को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। सफेद पोशाक ज्येष्ठ एल्डर का गुस्सा वैभव की बात सुनकर फिर से सातवें आसमान पर चढ़ने लगा था। उनका मन हो रहा था कि वैभव को पकड़कर अच्छे से उसकी कुटाई कर दे, लेकिन अब फैसला चंद्रवंशी परिवार के मुखिया के हाथों में जा चुका था। वैभव की बात सुनकर अजामिदा चंद्रवंशी के चेहरे पर किसी भी तरह के क्रोध के भाव प्रकट नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वैभव की बात भी एक हद तक ठीक ही है। पहाड़ी के ऊपर छिपे हुए लोगों की शक्ति कम नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है कि भतीजे विराज के साथ आई शाही टुकड़ी का यहाँ कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। विराज अजामिदा की परेशानी को समझ रहा था। वो लोग पिछले 3 दिनों से एक ही स्थान पर अटके हुए थे, ऐसे में उन्हें वहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। इसीलिए शाही टुकड़ी को इस्तेमाल करने का भी कोई मार्ग उनके पास नहीं था। ये सब समझकर विराज ने कहा, जेष्ठात, इस समस्या का मेरे पास समाधान है, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। विराज की बात सुनकर गहरी दिलचस्पी और उत्सुकता अजामिदा चंद्रवंशी के अंदर जाग उठी। जिस जगह पर आगे बढ़ने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वहां विराज की बातों से लग रहा था कि जैसे उसके पास कोई समाधान था। उन्होंने विराज की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा तो ये बात है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास कौन सी शानदार योजना है? पिछले 3 दिनों से उनकी हर चाल को पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए परिवार के गद्दारों ने निष्फल कर दिया था, ऐसे में वो विराज की योजना सुनने को उत्सुक हो उठे। अजामिदा की बात सुनकर विराज ने अपने पीछे खड़े गोल्डन पंख की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गोल्डन पंख? ये सुनते ही गोल्डन पंख समझ गया कि उसे क्या करना था। वो तेजी से आसमान में उड़ गया और आकाश में जाकर प्रहलाद प्रजाति के अपने असल शरीर में आ गया। उसने अपने विशालकाय शरीर से सूरज को ढक लिया और पूरे पहाड़ पर उसकी परछाई पड़ने लगी। गोल्डन पंख का असल शरीर देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। अजामिदा ने गोल्डन पंख के बारे में अंदाजा लगाते हुए कहा, प्रिय भतीजे, क्या तुम इस बहुत शक्तिशाली योद्धा को उन लोगों पर हमला करने के लिए भेजने वाले हो? विराज ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जेष्ठात, वैसे मुझे लग रहा है कि जेष्ठात ने पहाड़ की चोटी के ऊपर किसी शक्तिशाली योद्धा को भेजा था। अजामिदा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, हालांकि इसका प्रभाव संतोषजनक नहीं रहा। हमारे परिवार के कुछ ही लोग थे जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाए, इस कारण से परिणाम सुखद नहीं हो सके। विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर हम गोल्डन पंख की पीठ पर बैठाकर सभी योद्धाओं को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दे तो कैसा रहेगा? विराज की बात सुनते ही अजामिदा की आंखें चमक उठी और उन्होंने जोश से भरकर कहा, अगर ऐसा हो सका तो हमारे सफल होने की संभावना 80% से ज्यादा हो जाएगी। ये सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जेष्ठात, तो सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कीजिए और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। विराज की बात सुनकर अजामिदा थोड़ा हिचक गए। उन्होंने कहा, भतीजे विराज, क्या तुम भी पहाड़ की चोटी पर जाना चाहते हो?
मुझे तुम्हारी शक्ति, क्षमता और साहस पर पूरा भरोसा है, लेकिन पहाड़ी की उस चोटी पर गंभीर खतरा मौजूद है। परिवार के विद्रोहियों के साथ साथ वहां पर बड़ी संख्या में उत्पाती मौजूद है। ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भ्राता इंद्रावसु को क्या जवाब दूंगा? अजामिदा की चिंता को समझते हुए विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्येष्ठ, मेरी सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि क्या करना है। साथ ही गोल्डन पंख और शाही टुकड़ी के संरक्षण में मुझे कुछ नहीं हो सकता। विराज की बात पर अजामिदा ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। अपना ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद अजामिदा ने सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर की ओर देखा और कहा, ज्येष्ठ एल्डर, मैं चाहता हूँ कि आप भतीजे के साथ वहां जाए और विराज की रक्षा करें। आपको किसी भी कीमत पर विराज को कुछ भी नहीं होने देना है। ज्येष्ठ एल्डर ने बिना किसी भाव के एकदम निरपेक्ष होकर जवाब दिया, मैं हमारे मुखिया के आदेश का पालन करूंगा। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद बहुत देर से शांत खड़ा वैभव अचानक से बीच में चिल्ला पड़ा, मैं भी बड़े भैया के साथ जाऊंगा। मुझे आप लोग इस बार वहां जाने से नहीं रोकेंगे। वैभव को बच्चों की तरह उछलते और जिद करते हुए देखकर सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर ने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारी क्षमता अभी काफी कम है। इतनी खतरनाक जगह जाना तुम्हारी सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा कर देगा। उल्टा तुम्हें बचाने के चक्कर में हम लोग बुरी तरह से वहां पर फंस जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। वैभव की बात पर अजामिदा ने कुछ नहीं कहा, वो चुप खड़े रहे। ये देखकर वैभव चंद्रवंशी ने उनकी तरफ देखकर कहा, ज्येष्ठ, आप कुछ कहिए ना, मैं बड़े भैया के साथ जाना चाहता हूँ। आखिर कब तक मैं घर में कैद होकर मार्शल तकनीक सीखता रहूंगा? मुझे भी बाहर निकलकर वास्तविक परिस्थितियों में दो दो हाथ करने हैं। वैभव की बात पर विराज एकदम शांत खड़ा रहा। वैभव को वहां भेजना चंद्रवंशी परिवार का अपना फैसला था, इसमें विराज कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। अजामिदा वैभव की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वैभव पहाड़ी की चोटी पर जाकर वास्तविक युद्ध का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे जाने देते हैं। अजामिदा की बात सुनकर ज्येष्ठ एल्डर के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वो बोले, लेकिन भाई, वैभव अभी बच्चा है, इसमें चंचलता है, ये नहीं समझता कि वास्तविक युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। अजामिदा ने ज्येष्ठ एल्डर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैभव अब बड़ा हो चुका है, शायद समय आ चुका है जब वो असल युद्ध का हिस्सा बनकर अपनी आंखों से इस दुनिया को देखे। उसे घर की चार दीवारी में रखना उसकी प्रतिभा को दबाने जैसा होगा। विराज चंद्रवंशी परिवार के योद्धाओं के साथ पहाड़ की चोटी पर जाने वाला था, तो पहाड़ की उस चोटी पर विराज के सामने क्या क्या बाधाएं आने वाली थी? आखिर पहाड़ की उस चोटी पर क्या क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पकड़ FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 239, किसने की साजिश। वैभव चंद्रवंशी विराज के साथ नील कमल पर्वत की चोटी पर जाना चाहता था। ज्येष्ठ एल्डर की नजरों में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो वैभव को अपने साथ नील कमल पर्वत की चोटी पर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा की राय इस बारे में अलग थी। उनके अनुसार वक्त आ चुका था जब वैभव चंद्रवंशी को बाहर निकलकर असल के युद्ध में शामिल होकर वास्तविकता को एकदम निकट से देखने की जरूरत थी। अजामिदा चंद्रवंशी की बात सुनकर ज्येष्ठ एल्डर ने उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन ज्येष्ठ मुखिया, वो गद्दार बहुत शक्तिशाली है और वैभव उन लोगों से लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसकी शक्ति और अनुभव उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा कम है, इसीलिए इसका वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये अपने साथ साथ सभी के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। ज्येष्ठ एल्डर की बात पर युवा मास्टर वैभव पैनी आंखों से ज्येष्ठ एल्डर और मुखिया अजामिदा की ओर देखने लगा। अजामिदा चंद्रवंशी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
तो तुम क्या सारी जिंदगी वैभव को अपने कलेजे से चिपकाए चिपकाए घूमोगे? तुम्हें क्या लगता है कि इससे वैभव कभी वास्तविक योद्धा बन पाएगा? ज्येष्ठ एल्डर सच्चा योद्धा युद्ध भूमि की भूमि से पैदा होता है, ना कि घर के अखाड़े की भूमि से। जिस तरह तुम आज डर रहे हो, उसी तरह पूरी जिंदगी डरते रह जाओगे। कभी तो वैभव को बाहर निकलकर असल युद्ध का सामना करना ही होगा, तो अब क्यों नहीं? वैभव को अगर सच्चा योद्धा बनना है तो खतरों से भरी बाहरी परिस्थितियों का सामना तो इसे करना ही होगा। अच्छी बात यह है कि इस समय आप उसके साथ हैं और उसे हर तरफ से सुरक्षा दे सकते हैं। अजामिदा की बात सुनकर ज्येष्ठ एल्डर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए वैभव चंद्रवंशी को अपने साथ लेकर चलने की सहमति दी। ज्येष्ठ एल्डर की सहमति मिलते ही वैभव खुशी से उछल पड़ा। अजामिदा अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। परिवार के अंदर वैभव को अधिक संरक्षण मिला हुआ था, इससे बाहरी दुनिया में असल युद्ध को लेकर उसका अनुभव शून्य था। भले ही वो चंद्रवंशी परिवार के युवाओं में नंबर वन जीनियस था और प्रतिभा के मामले में भी सभी युवाओं से आगे था, लेकिन उसका अनुभव नगण्य था। दूसरी ओर अयान, जिसकी प्रतिभा वैभव से कम थी, साथ ही मास्टर क्षमता भी बराबर थी, लेकिन अयान का बाहरी दुनिया में युद्ध लड़ने का समृद्ध अनुभव था। सिर्फ इस वजह से अगर वैभव और अयान के बीच मुकाबला होता तो अयान सिर्फ एक ही वार में वैभव को धराशाही कर देता। यही कारण था कि ज्येष्ठ एल्डर ने भी अपनी सहमति दे दी थी। वैभव की शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका था कि उसे युद्ध की तप्त ज्वालाओं के बीच पकाना। वैभव को जाने की अनुमति मिलने के बाद विराज ने शाही टुकड़ी की ओर देखकर कहा, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर विराज ने धरती पर अपना पैर दे मारा और उड़कर गोल्डन पंख की पीठ पर जाकर बैठ गया। गोल्डन पंख आकाश में प्रहलाद प्रजाति के अपने असल रूप में था। विराज को गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होता देखकर शाही टुकड़ी के सातों सैनिक भी तेजी से उड़ गए और जाकर गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ गए। गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होते ही उन सभी ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और अपने चारों ओर चौकन्नी निगाहों से देखने लगे। ये देखकर चंद्रवंशी परिवार के ज्येष्ठ एल्डर और 10 योद्धा भी गोल्डन पंख की पीठ पर सवार हो गए। उन सभी के साथ वैभव चंद्रवंशी भी गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ चुका था। गोल्डन पंख की पीठ पर बैठते ही वैभव चंद्रवंशी ने उत्सुकता और उत्साह से पूछा, बड़े भैया, ये आत्मा का संबंध जीव तो सफेद पंखों वाले बाघ से भी ज्यादा शक्तिशाली और विशाल लग रहा है। आपको ये आत्मा का संबंध बना सकने वाला जीव कहाँ से मिला? मुझे भी बताइए ना, मुझे भी आत्मा का संबंध किसी शक्तिशाली जीव के साथ बनाना है, फिर मेरा भी ऐसा ही शक्तिशाली पालतू जीव होगा। विराज ने वैभव की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ज्येष्ठ एल्डर ने वैभव की इस बात पर उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तुम एकदम चुप रहोगे, अगर फालतू बोलते हुए दिखे तो यहीं से नीचे धक्का दे दूंगा और 1 महीने तक घर की कैद में रखूंगा, सो अलग। ज्येष्ठ एल्डर की फटकार सुनकर वैभव अंदर तक सकपका गया। आगे कुछ कहने और पूछने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो दम साधे एकदम चुप होकर बैठ गया और गोल्डन पंख के विशालकाय शरीर को उत्सुकता के साथ देखने लगा। वैभव को फटकार लगता देखकर विराज को मंद हंसी आ गई। उसने अजामिदा की ओर देखकर कहा, ज्येष्ठ, आप यहाँ से हमला करके दुश्मन का ध्यान भटकाते रहना, तब तक हम लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे। अजामिदा ने इशारे से अपनी सहमति दे दी। सहमति देते ही उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। शांत चेहरे पर अचानक से क्रोध का ज्वालामुखी उगलने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा की जगह खूनी लोहा कातिलाना आभा निकलने लगी। अजामिदा के इस नए तेवर और रूप को देखकर विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया होने के नाते उनका ये ओज रूप चंद्रवंशी परिवार की गरिमा के अनुरूप था। अजामिदा ने अपने साथ खड़े योद्धाओं को कहा, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर अजामिदा सभी योद्धाओं के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो वहां पर जाकर नकली लड़ाई का माहौल तैयार करने वाले थे और पीछे से विराज योद्धाओं को लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाला था। दूसरी ओर विराज और सभी लोग गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर पहाड़ी की चोटी की ओर उड़ चले। पहाड़ की चोटी पर 2 आकृतियां बाहर निकल कर आई।
पहाड़ की चोटी पर बैठे योद्धा अजामिदा के हमले का जवाब दे रहे थे। उसी समय दो आकृतियों को पहाड़ की चोटी पर कुछ हलचल समझ आई और वो उस हलचल के नजदीक तेजी से बढ़े। उन दो आकृतियों ने देखा कि एक विशालकाय दैत्यकार जानवर उन्हीं की ओर उड़ा चला आ रहा था। गोल्डन पंख को अपनी ओर आता देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। उन दोनों में से एक सफेद रंग की पोशाक पहने आकृति ने हैरान होते हुए कहा, अजामिदा को इतना शक्तिशाली सहायक कहां से मिल गया? ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर नफरत तैर गई। वो चंद्रवंशी परिवार का दूसरा ज्येष्ठ एल्डर था। उसका नाम था विदूषक चंद्रवंशी। वो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने चंद्रवंशी परिवार के अंदर कलह करके परिवार की सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। हालांकि उसकी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वो लोग एक ही झटके में अजामिदा और परिवार के खास लोगों को मार डालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके और इस वजह से किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और यहां नीलकमल पर्वत पर आकर छिप गए। नीलकमल पर्वत अपनी विशेष बनावट के कारण चोटी पर एक अलग ही तरह की सुरक्षा प्रदान करता था, इसीलिए वो सभी यहीं पर अपना डेरा डाले हुए थे। विदूषक चंद्रवंशी के पीछे एक नौजवान खड़ा था। उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। उसने नफरत और अहंकार से भरकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दुष्ट अजामिदा को ये मददगार कहां से मिला। इसकी मदद से हमें मार गिराना उसके लिए दिन में सपने देखने जैसा है, जो कभी बुरा नहीं हो सकता। इन्हें आने दो, एक एक करके हम इन सभी को मार देंगे। हमें तो बस ये देखना है कि मरने के लिए यहाँ कितने लोग प्रस्तुत हुए हैं। वो युवा नौजवान चंद्रवंशी परिवार के दूसरे ज्येष्ठ एल्डर विदूषक चंद्रवंशी का पोता फरद चंद्रवंशी था। चंद्रवंशी परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में वो भी सबसे आगे था। वो चंद्रवंशी परिवार का स्वर्ग का गर्व योद्धा था। हालांकि अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी और वो अब चंद्रवंशी परिवार का एक विद्रोही बन चुका था। अयान को गंभीर रूप से जख्मी करने वाला कोई और नहीं, यही फरद चंद्रवंशी था। विदूषक चंद्रवंशी ने अपने पोते फरद चंद्रवंशी की ओर देखकर कहा, फरद, तुमने बाहरी दुनिया में रहकर बहुत कुछ देखा और सीखा है, यहाँ तक कि तुमने एक संत स्तर के योद्धा को अपना गुरु बनाने में सफलता अर्जित की है। आज तुम्हारे पास उस संत स्तर योद्धा का संरक्षण मौजूद है, फिर भी ये चंद्रवंशी परिवार इतना सरल और आसान शिकार नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। भले ही हम यहाँ पर अजामिदा और उसके साथियों को मार गिराए और खुद बचकर यहाँ से बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाए, तो भी ये हमारे लिए काफी होगा। चंद्रवंशी परिवार के ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। हमें किसी भी हाल में इन सभी को मार गिराना होगा, लेकिन हम इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फरद चंद्रवंशी ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, आपकी बात का आशय मैं समझ रहा हूँ। दादा, आप चिंता ना करें, मेरे वो इष्ट योद्धा किसी भी समय कलिंजर अंपायर में दाखिल होते ही होंगे। वो ज्यादा से ज्यादा आधे दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। एक बार वो यहाँ आ गए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजामिदा अपनी रक्षा के लिए किसे बुलाते हैं। मरना ही उन सबकी नियति होगी। फरद चंद्रवंशी का ये अति आत्मविश्वास गलत भी नहीं था, क्योंकि जिस इष्ट योद्धा की वो बात कर रहा था वो इष्ट योद्धा एक महापराक्रमी योद्धा था, जो जीवन रस अमृत स्तर को पार करके मार्शल संत स्तर का योद्धा बन चुका था। इस वजह से फरद को चंद्रवंशी परिवार उस योद्धा के सामने बच्चों का खिलौना नजर आ रहा था और वो चंद्रवंशी परिवार की कोई परवाह नहीं कर रहा था। बाहरी दुनिया में लंबे समय तक रहने के कारण फरद चंद्रवंशी ये समझ चुका था कि बाहरी दुनिया में संत स्तर का योद्धा होना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती थी। बाहरी दुनिया में संत स्तर से भी ज्यादा शक्तिशाली कई योद्धा मौजूद थे। इस कारण से फरद को अपने चंद्रवंशी परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसे डरा सके। दुर्भाग्य से उसके दादा ने अपना सारा समय चंद्रवंशी परिवार के भीतर रहकर ही गुजार दिया था, इसीलिए उन्हें चंद्रवंशी परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति लग रहा था। इसी कारण से फरद चंद्रवंशी को वापस अपने घर लौटकर आना भी पड़ा था, ताकि अपने दादा के सपने को पूरा कर सके और अपने दादा को चंद्रवंशी परिवार का मुखिया बना सके।
भरत की बात सुनकर विदूषक चंद्रवंशी अपना सिर हिलाने लगे। उसके चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। उसके सामने अजामिदा की लाश आ गई, जिसे वो अपने पैरों से ठोकरें मार रहा था। ये सोचकर ही उसके सारे शरीर में आनंद का करंट सा दौड़ गया। भरत का इष्ट गुरु ही वो वजह थी जिसने दूसरे एल्डर विदूषक चंद्रवंशी को इतनी हिम्मत दे डाली थी कि वो चंद्रवंशी परिवार में आंतरिक कलह शुरू करके उसे रक्तपात का रूप दे सके। एक संत स्तर के योद्धा के लिए चंद्रवंशी परिवार के सभी योद्धाओं को मौत के घाट उतारना कोई बड़ी बात नहीं थी। फरत चंद्रवंशी ने कहा, दादा इन लोगों को आने दो, अभी मैं जाकर इन लोगों के लिए कुछ शानदार तोहफों की व्यवस्था करता हूँ। इन्हें भी तो एहसास हो कि इनका सामना कितने दरिया दिल भतीजे और पोते से हुआ है। विराज जो तेजी से नीलकमल पर्वत की चोटी की ओर बढ़ा जा रहा था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि फरत चंद्रवंशी कितनी बड़ी साजिश चंद्रवंशी परिवार के पीठ पीछे कर रहा था। वो पूरे चंद्रवंशी परिवार को एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में था। तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 240, युद्ध का आगाज। विराज गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर तेजी से नील कमल पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़े जा रहा था। विराज को मालूम नहीं था कि फराज चंद्रवंशी, जो विद्रोही चंद्रवंशी परिवार का नेतृत्व कर रहा था, वो किस गहरी साजिश को अंजाम देने में लगा है। गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर विराज जल्द ही नील कमल पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो गोल्डन पंख की पीठ से उतरकर पहाड़ की चोटी पर आ गया। उसने अपने हाथों में सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार पकड़ ली। विराज के पीछे शाही टुकड़ी के सातों सैनिक भी नीचे उतर गए। उन्होंने विराज के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ज्येष्ठ एल्डर चंद्रवंशी परिवार के योद्धाओं के साथ सैनिकों के पीछे चलने लगे, और उन योद्धाओं के साथ ही वैभव सबसे पीछे चल रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए चंद्रवंशी परिवार का एक योद्धा उसके साथ चल रहा था। कुछ ही देर में वो सभी नीलकमल पर्वत के सबसे ऊपर पहुंच गए। उसी समय चंद्रवंशी परिवार के विद्रोही लोग वहां चारों ओर से आ गए और उन्होंने विराज और बाकी लोगों को घेर लिया। विद्रोही परिवार के लोगों का नेता एक 20 साल का युवा था, जो विराज और बाकी लोगों को नफरत से देख रहा था। फरत चंद्रवंशी ने विराज के साथ आए ज्येष्ठ एल्डर को देखकर व्यंगात्मक शैली में कहा, ज्येष्ठ एल्डर, आखिरकार आप आ ही गए। कब से आपकी राह ताक रहा था। आपकी सेवा के लिए भरपूर तैयारियां करके रखी है मैंने। विराज ने जब फरत चंद्रवंशी को देखा तो विराज ने पूछा, ये लड़का कौन है, इसे इतना अहंकार किस बात का हो रहा है। वो पहले भी अहंकारी लोग देख चुका था, जैसे अर्णव वसु, आरुष वसु, लेकिन आज से पहले उसने फरत जैसा अहंकारी युवा नहीं देखा था, जो देखने में तो शक्तिशाली लग रहा था। इसके बावजूद अपनी शक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा अहंकार पालकर उसने रखा हुआ था। इसके साथ ही वो फरत की आंखों में सभी के लिए तिरस्कार महसूस कर पा रहा था। विराज का सवाल सुनते ही वैभव चंद्रवंशी ने तुरंत जवाब दिया, इस नौजवान का नाम है फरत चंद्रवंशी। ये हमारे दूसरे ज्येष्ठ एल्डर का पोता है। बड़े भैया, अयान को इसी ने मारकर घायल किया था। फरत चंद्रवंशी ने जब वैभव चंद्रवंशी की आवाज सुनी तो उसे समझ आया कि वैभव भी यहाँ आया हुआ था। ये जानकर उसने कहा, अच्छा तो ये कचरा वैभव भी यहाँ आया हुआ है, जिसे चंद्रवंशी परिवार का नंबर एक जीनियस युवा कहा जाता है, और जिसने कभी भी बाहरी दुनिया में कोई लड़ाई तक नहीं लड़ी। सच में किसी भी कचरे को परिवार का जीनियस कहने की तो मानो हमारे परिवार में प्रथा चल पड़ी है। खैर, अब मैं आ गया हूँ ना, तो आज से ये प्रथा खत्म। इसके बाद फरद ने वैभव की आंखों में देखते हुए कहा, तू भाग्यशाली था वैभव, जो अभी तक बचा रहा। अगर तेरे एल्डर ने तुझे किसी गुप्त चैम्बर में छिपाया ना होता तो तेरा तो काम तमाम मैं कब का कर चुका होता। लेकिन कोई नहीं, आज अपनी इस अधूरी इच्छा को मैं पूरा कर लूंगा। हालांकि फरद को अंदर ही अंदर आश्चर्य हो रहा था कि वैभव चंद्रवंशी यहाँ मरने क्यों चलाया।
इसके बाद फरद ने विराज की ओर देखकर गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरद चंद्रवंशी विराज के अंदर से बेहद डरावनी आभा निकलते हुए महसूस कर रहा था। वो आभा एक धारदार तलवार की तरह थी जो अपनी तीक्ष्ण धार की शक्ति को उजागर नहीं कर रही थी। इससे फरद के दिल में हल्का भय दस्तक देने लगा। फरद के लिए विराज की मार्शल क्षमता को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना वो समझ रहा था कि विराज की मार्शल क्षमता कम से कम उसके जितनी तो थी। विराज ने जवाब दिया, विराज वर्धन। विराज फरद चंद्रवंशी के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर रहा था और इतना समझ रहा था कि फरद को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। फरद चंद्रवंशी को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि इनाया और उसे छोड़कर कलिंजर संस्थान का कोई भी युवा उसका सामना कर पाने की स्थिति में नहीं था। यहाँ तक कि कलिंजर संस्थान के योद्धाओं की सूची में दूसरा स्थान रखने वाला अर्ना वसु और उत्तर सागर का युवराज विपुल भी फरद के सामने कमजोर ही साबित होते। विराज वर्धन, ये नाम सुनकर फरद चंद्रवंशी अवाक खड़ा रह गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो इस नाम से पहले से परिचित था। जितना वो विराज के बारे में जानता था वो ये था कि विराज कलिंजर संस्थान के पिछले 1000 सालों के इतिहास का एक महान प्रतिभाशाली युवा था, जिसकी प्रतिभा की तुलना अग्नि देवी वैदही से की जा रही थी। फरद ने विराज को बेहद गंभीर नजरों से देखा। वो विराज के अंदर से खतरनाक आभा निकलता हुआ देख पा रहा था। विराज को देखने के बाद अपने आप को संभालते हुए फरद सोचने लगा, विराज भले ही कलिंजर संस्थान का महान प्रतिभावान युवा हो, लेकिन मैं मार्शल संत योद्धा का शिष्य हूँ। मैंने कलिंजर अंपायर से बाहर की दुनिया देखी है और मेरा अनुभव बहुत विशाल है, और ये विराज कलिंजर संस्थान का प्रतिभावान युवा ज्यादा से ज्यादा कलिंजर अंपायर तक ही सीमित रहा है। इसका अनुभव मेरे अनुभव के सामने तुच्छ है। इस तरह फरद को लग रहा था कि भले ही विराज की प्रतिभा उससे ज्यादा भी हो, लेकिन वो अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर विराज को परास्त कर देगा। वो सोचने लगा, कलिंजर अंपायर के इस 1000 सालों के सबसे योग्य विद्यार्थियों में से एक युवा को मारकर उसकी लाश का उपयोग सारे कलिंजर अंपायर में अपनी धाक जमाने में करूंगा। फरद चंद्रवंशी के चेहरे के बेशुमार घमंड को देखकर विराज को हंसी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फरद को किस बात का गुमान हो रहा था। विराज अपनी जिंदगी में एक मार्शल संत योद्धा को मार चुका था। कैप्लर यूनिवर्स की तीसरी सबसे खूंखार जगह दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाने में कामयाब रहा था। इस तरह अनुभव और ज्ञान के मामले में वो फरद से कहीं आगे था, लेकिन फरद के चेहरे पर उभरा अहंकार ऐसा था मानो उसके सामने विराज की कोई हैसियत ही ना हो। खैर, विराज इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फरद चंद्रवंशी ने विराज और बाकी लोगों को देखते हुए चिल्लाकर कहा, चलो आगे बढ़ो और खत्म करो इन दुष्टों को। ऐसा कहते ही फरद ने अपने हाथों में 2 जहरीले खंजरों को बाहर निकाल लिया और तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया और विराज की ओर चल पड़ा। फरद के पीछे खड़े चंद्रवंशी परिवार के विद्रोही लोग भी तेजी से चंद्रवंशी परिवार और शाही टुकड़ी पर टूट पड़े। अगले ही क्षण उस जगह पर भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। गोल्डन पंख समेत सभी लोग युद्ध का हिस्सा बन चुके थे, सिवाय वैभव चंद्रवंशी के जो दूर खड़ा होकर इस युद्ध को होते हुए देख रहा था। उसी समय विराज के पीछे एक परछाई प्रकट हुई। अगले ही क्षण उस परछाई के हाथों में नागिन की तरह फन फैलाए एक जहरीला और खूंखार खंजर हवा को भेदते हुए विराज की कमर की ओर तेज गति से बढ़ चला। जैसे ही वो खंजर विराज की कमर पर पहुंचने लगा, ये देखकर फरद के चेहरे पर जंगली हंसी उभर आई। ये वही दाव था जिससे अयान को प्राण घातक घाव मिला था। यदि अयान के शरीर की रक्षा कोई रहस्यमय शक्तिशाली खजाना नहीं कर रहा होता तो वो कब का मारा जा चुका होता। और अब यही दाव और प्रहार फरद विराज के शरीर पर करने जा रहा था। अभी तक फरद आगे का दृश्य देख चुका था। उसका खंजर विराज के आर पार हो चुका था और विराज दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर चुका था। और इस तरह कलिंजर अंपायर के 1000 सालों की दुर्लभ प्रतिभा की लाश फरद के पैरों तले पड़ी थी। ऐसा सोचते हुए उसकी जंगली हंसी वैश्य रूप अख्तियार करने लगी।
लेकिन जैसे ही फरद का खंजर विराज की कमर में घुसा तो उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। वो हैरान नजरों से पीछे हटने लगा। इससे पहले वो पीछे हट पाता, उसे अपने पीछे से कानों में एक चिढ़ती हुई आवाज सुनाई दी। बच्चे, तेरा ध्यान किधर है? तेरी मौत तो तेरे पीछे खड़ी है। ये सुनते ही फरद का दिल धक्सा रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक शक्तिशाली तलवार धार ने उसके कंधे पर जाकर जोरदार प्रहार कर डाला। अच्छा, तो एक रहस्यमय सुरक्षा कवच तुम्हारी हिफाजत कर रहा है? फरद के पीछे से विराज की आवाज गूंज उठी। इसके बाद विराज ने बेहद शांत स्वर में कहा, कोई नहीं, मेरे दूसरे प्रहार में मैं इस कवच को भेद डालूंगा। विराज की बात सुनते ही फरद का दिल फटासा जा रहा था। वो तेजी से आगे की ओर बढ़ गया और उसने विराज से कुछ दूरी बना ली। इसके ठीक बाद वो तेजी से विराज की ओर मुड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने तेज प्रहार के बावजूद वो विराज का बाल भी बाका नहीं कर सका। इसके उलट वो विराज की तलवार से घायल हो गया था। अगर उसने इतना शक्तिशाली सुरक्षा कवच न पहना होता तो शायद वो अभी तक जमीन पर पड़ा अपनी मौत की राह देख रहा होता। उसे समझ आ रहा था कि उसके तेज रफ्तार के सामने विराज की रफ्तार उससे भी कहीं ज्यादा तेज थी। उसी समय विराज की अनगिनत आफ्टर इमेजेस फरद के चारों ओर दिखाई देने लगी। विराज स्वर्गीय रफ्तार मूवमेंट तकनीक से फरद के चारों ओर एक के बाद एक आफ्टर इमेज छोड़ता जा रहा था। उन सभी आफ्टर इमेज को देखकर फरद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि इनमें से असल विराज कौन सा था और कौन सी इमेज नकली थी। उसी समय विराज का एक दूसरा शक्तिशाली वार फरद के ऊपर पड़ने ही वाला था कि उसी समय विराज और फरद के बीच एक पारदर्शी दीवार बन गई, जिसने विराज के वार को अपने ऊपर झेल लिया। इसके ठीक बाद काली पोशाक पहने एक परछाई वहां प्रकट हो गई और उस परछाई की आंखें क्रोध से फड़फड़ा रही थी। वो विराज को घृणा भरी नजरों से देख रही थी और उसके शरीर से कातिलाना आभा निकल रही थी। उस काली पोशाक आकृति को देखकर विराज दंग रह गया और चौंकते हुए बोला, मार्शल संत योद्धा का आभासी अवतार। इसके बाद विराज ने पलटकर फरद की ओर देखा और कहा, अच्छा तो अब समझ आ रहा है कि तू हवा में इतना क्यों उड़ रहा था। तेरी रक्षा एक मार्शल संत योद्धा का आभासी अवतार कर रहा है। विराज की बात सुनकर फरद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराज सिर्फ देखने पर से उसके गुरु की असल पहचान उजागर कर देगा। कलिंजर अंपायर में कुछ गिनती के ही लोग होंगे जो उसके गुरु को देखकर उसकी असल पहचान को तुरंत समझ जाए। उसे समझ आने लगा कि विराज को जितना वो समझ रहा था वो उससे कहीं आगे का योद्धा था। वो उन मूर्ख और दम्भी योद्धाओं में से नहीं था जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जिस तरह विराज ने उसके गुरु के आवासीय अवतार को देखते ही पहचान गया, उससे फरद को समझ आ गया कि विराज का सामना पहले ही किसी संत स्तर के योद्धा से हो चुका था और वो जानता था कि जीवन रस अमृत स्तर से ऊपर के भी योद्धा केपलर यूनिवर्स में अस्तित्व रखते हैं। विराज के सामने एक संत स्तर के योद्धा का आभासी अवतार खड़ा था। तो क्या विराज एक सीधे युद्ध में एक संत योद्धा का सामना कर पाएगा, या फिर इस बार विराज के लिए नील कमल पर्वत आना एक बड़ी भूल साबित होने वाला था और वो उस संत स्तर के आभासी अवतार के हाथों बुरी तरह से घायल होने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्ति।